हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग इन सी। लेटर सी बुक का फोर्थ चैप्टर है ये। इससे पहले हम तीन चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनके सारी एक्सरसाइज मतलब उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको डिस्कशन कर चुके हैं। रियल के अंदर हमने उसी टाइम प्रोग्राम बनाकर उन प्रॉब्लम को सोल्व करा है। तो इस फोर्थ चैप्टर से पहले हमने सबसे पहले चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, उसके अंदर हमने जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सी के बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं, प्रिंटअप क्या होता है, स्कैनअप क्या होता है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है। सेकंड वाले के अंदर हमने जाना इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वही सिक्वेंशियल होते हैं, लूप वाले होते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं और ये सब। उसके बाद थर्ड चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करा डिसीजन मेकिंग के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको डीप स्टडी करा कि भाई डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या काम में आते हैं। इफ एल्स होता है, स्विच केस होता है, स्विच केस के अंदर हमने अभी थर्ड चैप्टर में डिस्कशन नहीं करा, वो एक एडवांस चीज है, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, काफी सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है। अब हम आते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जैसे नॉर्मल अभी तक हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कशन करा था कि इफ एल्स का यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके सामने के लिए कंडीशन होती है कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, भूख नहीं लगी है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इसके साथ में जैसे मान लीजिए दूसरी कंडीशन आती है कि मुझे भूख लगी है और राइस बने तो मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा। अब इससे भी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि मुझे भूख भी लगी है, मुझे राइस भी खाने हैं, मतलब राइस भी होना चाहिए और उसके साथ में मेरे को दाल मखनी चाहिए या फिर छोले चाहिए तो ही मैं खाऊंगा। तो मतलब एक साथ तीन चार कंडीशन आ गए कि उनके बेस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, तो अब क्या करें, ऐसी कंडीशन को ही बोलते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मतलब कि एक साथ तीन चार डिसीजन को हम तीन चार कंडीशंस को मैच करें और उनके बेस के ऊपर रिजल्ट निकाले। ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है उनको हम इफ एल्स के थ्रू सोल्व नहीं कर सकते, नॉर्मल इफ एल्स के थ्रू करेंगे, इन सबको भी हम इफ एल्स के थ्रू ही, लेकिन नॉर्मल इफ एल्स के अंदर हम केवल एक कंडीशन की बात करते हैं कि एक कंडीशन का इवेल्युएशन होगा, एक एक्सप्रेशन है उसका कुछ रिजल्ट आएगा, उसके बेस के ऊपर हम इवेल्युएशन करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर हम चेक करेंगे क्योंकि उसके अंदर हम केवल इफ एल्स का यूज करा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करा था, उसके अंदर किसी और ऑपरेटर का यूज नहीं करा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, छह पांच से बड़ा है तो, छह इससे बड़ा है तो, ये इससे छोटा है, ऐसा है ऐसा है, तो उसके बेस के ऊपर हमने इफ एल्स का काम कर लिया। लेकिन अब जहां पे दो एक या एक से ज्यादा कंडीशन आ रही है तो उसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज में आएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज में आएंगे और इफ एल्स का जो अल्टरनेट होता है कंडीशनल ऑपरेटर उनका भी यूज लेंगे। तो इन सब तीनों का यूज करके हम मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करेंगे इन सी के अंदर। ये हर लैंग्वेज के अंदर सेम प्रोसेस होता है, बट हम लेटेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा पूरा बेस अभी सी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर कितने तरह के हमारे पास में, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सेकेंड आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल और एंड, और थर्ड आ गया कंडीशनल ऑपरेटर, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो इन सब के बारे में हम यूज करेंगे कि इनसे यूज करके कैसे क्या काम करते हैं, तो उनका यूज क्या हुआ। अब क्या है, इफ द आउटकम ऑफ एन इफ एल्स लेटर इज ओनली वन ऑफ टू आंसर देन द लेटर शुड बी रिप्लेस आइदर विद एन एल्स इफ क्लोज और बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कि एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं कि कहां पे एंड का यूज करना है, कहां पे और का यूज करना है, कहां पे नोट का यूज करना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। डबल एम्परसेंड और डबल जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है इसको बोलते हैं और, ये दोनों होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि दो ऑपरेंड होंगे उनके ऊपर ही अप्लाई होंगे, मतलब कि दो एक्सप्रेशंस होंगे उनका इवेल्युएशन होता है और उनके बेस के ऊपर जो रिजल्ट आता है उन दोनों को कंपेयर करके इनका इवेल्युएशन होता है। जबकि नोट जो होता है यूनरी ऑपरेटर होता है। नोट क्या होता है, जो भी चीज आ रही है उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू, बस उसका अपना सा काम और कुछ नहीं। फिर क्या, इन सी एवरी टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा उसका इवेल्युएशन होगा कंडीशन बेस के ऊपर, तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। मतलब कि जीरो एंड वन, मोस्टली जीरो एंड वन की भाषा में बोलते हैं, जीरो जो होता है उसको बोलते हैं फॉल्स और नॉन जीरो वैल्यू जो होती है वो होती है ट्रू। और नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो वैल्यूज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स एंड नॉन जीरो वैल्यूज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ओके, अब आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट इफ देयर इज ए सिंगल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक इफ ब्लॉक एंड ए सिंगल स्टेटमेंट इन द एल्स ब्लॉक। देखिए, इफ
कोई कंडीशन आई, अगर वो ठीक है तो केवल सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और एल्स एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। उस कंडीशन को हम जो चार पांच लाइन के अंदर कोड लिखेंगे उसको हम सिंगल लाइन के अंदर कर देंगे बाय द यूजिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इसको क्या लिखा था, पहला क्वेश्चन मार्क से जो पहले होता है वो तो होती कंडीशन, कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज कोलन के बाद वाला इवैल्यूएट होगा। ये सिंपल सी चीज है कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर। असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज्ड विद कंडीशनल ऑपरेटर मस्ट बी इंक्लूड विद इन ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का जब भी यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर के साथ में, तो उसके अंदर क्या करना है, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट उसके बीच में ही उसको लिखना है, अदरवाइज तो क्या बोलेगा कि नॉर्मल असाइनमेंट है, और असाइनमेंट के लेफ्ट के अंदर एक ऑपरेंड हो सकता है और राइट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो फिर दो इक्वल हो जाएंगे तो वो उसको नॉर्मल असाइनमेंट नहीं मान करके इक्वल वाला साइन मान लेगा। ओके, अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत मैटर करती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर मैं यूज करा था कि मतलब ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, मल्टीप्लीकेशन डिविजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर की, उसके बाद में आती है प्लस माइनस की। इस तरीके से हमने चेक करा था कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कौन एक सेंटेंस है उसके अंदर कौन से एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कैलकुलेट होगा, ये डिसाइड होता है ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। तो अब कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग आ रही है तो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे सामने हैं। तो हमें अब सबकी प्रायोरिटी ध्यान में होनी चाहिए कि जब ये सारे ऑपरेटर्स किसी एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा और कौन सा सबसे बाद में होगा। तो सबसे लॉजिकल नोट अगर कहीं पे मिल जाता है तो सबसे पहले वो इवेल्युएट होगा, उसके बाद में आता है मल्टीप्लीकेशन डिविजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर, इनकी प्रायोरिटी सेकंड, प्लस एंड माइनस के थर्ड, रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इनकी प्रायोरिटी कौन सी, फोर्थ नंबर पे, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू फिफ्थ नंबर पे, डबल एंड मतलब लॉजिकल एंड है सिक्स्थ नंबर पे, लॉजिकल ओवर है सेवंथ नंबर पे, और जो असाइनमेंट है वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है। ऑटोमेटिक ऑपरेटर के अंदर सबसे लिस्ट प्रायोरिटी किसकी थी, असाइनमेंट की। भाई असाइनमेंट तो सारा इवैल्यूएशन होने के बाद का प्रोसेस है, उससे पहले तो सब कुछ हो जाएगा, अब सारा रिजल्ट निकलने के बाद में असाइनमेंट के अंदर जाएगा। तो इन सब चीजों का हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे करीबन 15-16, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे सी लैंग्वेज के थ्रू इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करके हम कैसे डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए, जिसके अंदर में क्या बोला गया है, इफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल। जिसमें बोला गया है कि अगर ऑपरेटर्स की वैल्यू ऑपरेंड की वैल्यू ये है तो हमें नीचे जो दिए हुए एक्सप्रेशन है इनको इवेल्युएट करना है। जैसे फर्स्ट की वैल्यू दे भी रखी कि जैसे 1 है तो सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को वैल्यू को निकालें। ओके, तो हम एक एक को सोल्व करते हैं। सबसे पहले है ए इज नॉट इक्वल टू 6 एंड बी इज ग्रेटर देन 5। देखिए इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसके अंदर ऑपरेटर कौन कौन से है। एक तो ऑपरेटर है कितना, नॉट इक्वल टू, दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल एंड, और तीसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसके अंदर हमारे पास में दो तो रिलेशनल ऑपरेटर है और एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो अब इसके अंदर हम देखिए राइट साइड के अंदर हमारे पास में जो टेबल बनी हुई है ये प्रायोरिटी डिफाइन करती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। तो इसके अंदर देखिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर ग्रेटर देन वाला, बी इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ये कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12, 12 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ट्रू मतलब कि 1। अब उसके बाद में यहाँ पे कितना बच गया, ए इज नॉट इक्वल टू 6 और लॉजिकल एंड, तो उस कंडीशन में रिलेशनल इज नॉट इक्वल टू वाला पहले कैलकुलेट होगा, लॉजिकल एंड बाद में होगा। तो ए इज नॉट इक्वल टू 6 मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 6, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू आ गया। तो इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्रू। देखिए स्टेप वन के अंदर हमने क्या करा, ए इज नॉट इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन ट्रू। स्टेप बी के अंदर क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन ट्रू। स्टेप थर्ड क्या आ गया, ट्रू एंड ट्रू। तो आउटपुट में क्या आ गया, ट्रू, ट्रू का मतलब होता है 1। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर स्टेप वन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू 6 सबसे पहले कंपेयर होगा। क्यों,
क्योंकि सिक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है दो ऑपरेंड, एक तो ये सिक्स के ऊपर इधर हो रहा है नॉट इक्वल टू और इधर हो रहा है लॉजिकल एंड, तो नॉट इक्वल टू मतलब रिलेशनल और लॉजिकल एंड इन दोनों में से कौन सा वाला होगा, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी पहले है, तो इसके ऊपर काम हो गया, फिर इसके ऊपर आ गया स्टेप्स के अंदर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल। इसके अंदर भी वैल्यू निकालनी है कि ए इक्वल टू 9 है, और ये आ गया मतलब नॉर्मल रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर और ये और ऑपरेटर है। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर को देखते हैं कि भाई प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। सबसे पहले तो ए के ऊपर देख लेते हैं, ए इक्वल टू 9, 9 के बाद में आ रहा है ये, तो ये 9 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के ऊपर दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, एक तो इक्वल टू वाला और एक लॉजिकल और, तो लॉजिकल और अर्थमेटिक इक्वल टू, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी है, ये अर्थमेटिक वाले की, रिलेशनल ऑपरेटर की। तो ए इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू 10, 10 इक्वल टू 9 है नहीं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स मतलब कि जीरो इसकी वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे जीरो आ गया, उसके बाद में यहाँ पर आ गया लॉजिकल और यहाँ पर आ गया बी, तो अब देखिए इधर तो जीरो आ गया और बी के ऊपर अब दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, एक लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन वाले की जो रिलेशनल ऑपरेटर इसकी प्रायोरिटी हाई है, लॉजिकल और से तो पहले ये अप्लाई होगा, तो 12 इज लेस देन 3 नहीं, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, फॉल्स मतलब कि जीरो, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, जीरो और जीरो आउटपुट में क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो एंड जीरो, फॉल्स एंड फॉल्स, दोनों में से कोई भी चूज करो तो फॉल्स ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नोट ए इज लेस देन 10, देखिए बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसके अंदर तो प्रायोरिटी की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए ए इज लेस देन 10, ये पैरेंथेसिस के अंदर है, तो पैरेंथेसिस के अंदर है तो सेपरेट ही कैलकुलेट होगा, तो ए की वैल्यू है कि 10, 10 इज लेस देन 10 है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉल्स, फॉल्स मतलब कि जीरो, तो जीरो का आगे क्या लगा हुआ है, नोट, तो जिसके आगे नोट आ जाता है वो तो उसकी वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देता है, जीरो होगा तो 1, 1 होगा तो 0, तो इसका इवैल्यूएशन आया था इज लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10 गलत आ गया, तो 0, 0 का रिवर्स कितना हो गया, 1। नेक्स्ट में क्या है, इफ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू, सेम है। अब इसका भी देखिए नोट तो सबसे पहले बाहर लगा हुआ पैरेंथेसिस के बाहर, तो सबसे जो वैल्यू आएगी इसके वैल्यूएशन होगी कि जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे, ये तो सबसे लास्ट में, सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर ग्रेटर देन साइन हो रहा है और लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड और ग्रेटर देन, लेफ्ट से राइट में चलते हैं, देखिए ए के ऊपर तो केवल एक ऑपरेटर है, लेकिन बी ये जो 5 है लिटरल कॉन्स्टेंट है, देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ लिटरल या कॉन्स्टेंट, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर डिजिट है, 5, 10 इज ग्रेटर देन 5 बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका क्या आएगा, 1, 1 बोल लीजिए या 2 बोल लीजिए, तो 1 एंड सी, सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 0, तो 0 है तो फॉल्स होती है, 1 एंड 0 मतलब कि फॉल्स एंड ट्रू, 2 एंड फॉल्स, तो उसके वैल्यूएशन के अंदर क्या आएगा, फॉल्स, अब फॉल्स का जब रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, ट्रू, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो ट्रू आ गया, ये जीरो आ जाता है, ये फॉल्स हो जाती है, तो जीरो का रिवर्स कितना हो जाता है, 1, तो इस तरीके से इसका भी यूज हो गया। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम चेक कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर को, रिलेशनल ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, सभी को, रिलेशनल ऑपरेटर सभी अप्लाई कर रहे हैं कि सबको हम प्रायोरिटी के बेस के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब भी हमारे पास में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमें प्रायोरिटी बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। प्रायोरिटी का दूसरा नाम प्रेसिडेंस भी होता है, कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी क्या होती है, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती है। ओके, अगला है 5 एंड सी इज नॉट इक्वल टू 8 और नॉट इक्वल टू सी। अब इसके अंदर क्या चीज कैलकुलेट होगी, देखिए 5 एंड सी, अब यहां पे सी हमारे पास में आ गया है, इधर तो केवल लेफ्ट एक सिंगल ही ऑपरेंड आ रखा है, इसके ऊपर तो केवल सिंगल ऑपरेटर है, लेकिन सी के ऊपर डबल ऑपरेटर, इधर लॉजिकल एंड है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू रिलेशनल है, तो इसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, लॉजिकल, ये रिलेशनल ऑपरेटर की, तो सी के ऊपर क्या लगा, सी की वैल्यू कितनी, 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 8 बिल्कुल ट्रू आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, और 5 एंड 1, ट्रू का मतलब हो गया 1, 5 एंड 1 मतलब ये दोनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो 5 एंड 1 और यहाँ पे और आ गया लॉजिकल एंड लॉजिकल और, देखिए इसको आ गया एप्लीकेशन देख के बता देते हैं, सबसे पहले ये कैलकुलेट हो गया है किसकी वैल्यू आ गई 1, अब नॉट इक्वल टू सी
नॉट इक्वल टू सी, ये यहां पर आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉट इक्वल टू सी आ गया। तो ये देखिए नॉट इक्वल टू सी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी इसके ऊपर से, तो ये आ गया ग्रेटर देन वन। अब वन और वन, वन आ गया, फिर फाइव एंड वन, ये वन आ गया, वन और वन वन, तो इसका आउटपुट कितना आ गया वन। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट ए। इसमें हमें क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, के जो नीचे लिखे हुए प्रोग्राम्स हैं उनका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोग्राम सही भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि stdio.h बिल्कुल हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन लिखा हुआ है और इसका रिटर्न टाइप इंट है और रिटर्न में क्या कर रहा है जीरो। तो आगे जितने क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम ये चेक करें। अब यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट फोर और ट्वेल्व। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, देखिए जब भी हम कंडीशन चेक करेंगे तो हमने राइट साइड में टेबल दिए कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है, उसके बेस पे हम कैलकुलेशन करते चलेंगे। आई इक्वल टू फाइव लॉजिकल और जेड इज ग्रेटर देन 15। अब देखिए इसके अंदर लॉजिकल और बीच में आ गया है, लॉजिकल और की प्रायोरिटी बहुत लोस्ट नीचे है जबकि असाइनमेंट की जो है सबसे कम है। तो अब इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो आई इक्वल टू दिया तो सबसे लास्ट में एक्सप्रेशन के सबसे लास्ट में इवैल्यूएट होगा। अब हमारे पास में जाता है फाइव के ऊपर जो दोनों ऑपरेंड अप्लाई हो रहे हैं, फाइव और लॉजिकल जेड, जेड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं इधर लॉजिकल और है और इधर रिलेशनल ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या होगा रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, जेड इज ग्रेटर देन 50, 12 इज ग्रेटर देन 50, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। ओके ये फॉल्स आया। अब इसके अंदर क्या चेक करेंगे इफ आई इक्वल टू फाइव, ये चेक नहीं होगा, ये तो लास्ट में असाइनमेंट होगा। तो ये फाइव लॉजिकल और ये आ गया जीरो, फाइव लॉजिकल और जीरो, फाइव लॉजिकल और जीरो। तो देखो फाइव में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि फाइव नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है तो मतलब ये ट्रू है और इधर आ गया फॉल्स, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स, तो मतलब रिटर्न क्या जाएगा ट्रू, क्योंकि लॉजिकल और के साथ में ये कि दोनों ऑपरेंड में से अगर एक की वैल्यू भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई ट्रू, ट्रू आ गई तो प्रिंट में क्या जाएगा ये वाला स्टेटमेंट डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर डन। ध्यान रखना है लॉजिकल ओवर के अंदर अगर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा, लॉजिकल एंड के अंदर अगर एक भी ऑपरेंड जीरो है तो आउटपुट के अंदर जीरो जाएगा, दोनों की वैल्यू वन होगी तो ही लॉजिकल एंड के अंदर आउटपुट वन होगा। सेकंड क्वेश्चन है सेम मैटर फाइल सही है, मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन सही है, डेफिनेशन सही है, रिटर्न टाइप है इंटीजर तो रिटर्न करता है जीरो। अब ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन विद असाइनमेंट है, ये नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ना इनिशियलाइजेशन है ना असाइनमेंट है। अब इनको इवैल्यूएट चेक करते हैं डब्ल्यू इक्वल टू, देखिए इसके अंदर लॉजिकल और लगाए हुए हैं तो सीधा आंख बंद करके लेफ्ट टू राइट हम सोल्व कर देते हैं क्योंकि सबकी प्रायोरिटी इक्वल है लॉजिकल और लगे हुए। तो आई क्या है फोर लॉजिकल और जे, दोनों नॉन जीरो वैल्यू है मतलब कि ट्रू लॉजिकल और ट्रू, तो आउटपुट में आ गया ट्रू। अब यहाँ के की वैल्यू जीरो है, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा ट्रू क्योंकि लॉजिकल और के अंदर एक ऑपरेंड की वैल्यू जीरो मतलब फॉल्स ट्रू होनी चाहिए आउटपुट ट्रू लेने के लिए। अब आता है सेकंड, एक्स के अंदर पूरे लॉजिकल एंड लगे हुए हैं तो ये सीधा लेफ्ट टू राइट हम सोल्व कर देते हैं। आई लॉजिकल एंड जे दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं तो इनके बीच में जब भी लॉजिकल एंड लगेगा तो इनका आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। अब ये इधर ट्रू एंड लॉजिकल एंड के, इधर ट्रू है और इधर फॉल्स है तो आउटपुट में क्या जाएगा फॉल्स क्योंकि लॉजिकल एंड के बीच में एक भी ऑपरेंड अगर जीरो है या फॉल्स है तो आउटपुट में क्या जाएगा जीरो या फॉल्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो। अब वाई है, वाई के अंदर लॉजिकल और है और लॉजिकल एंड है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले लॉजिकल एंड कैलकुलेट होगा क्योंकि लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है लॉजिकल और से। तो अब यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल एंड को कैलकुलेट करते हैं हम, जे की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन, नॉन जीरो है मतलब ये ट्रू है और के की वैल्यू आ रही है जीरो, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स तो आउटपुट में क्या आएगा फॉल्स। आई फोर मतलब की ट्रू, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स तो आउटपुट में क्या जाएगा ट्रू क्योंकि लॉजिकल और के अंदर अगर एक ओपेंड की वैल्यू भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू चला जाएगा। अब चेक करते हैं जेड, तो वैल्यू क्या आई है वन जीरो वन। अब जेड की चेक करते हैं, आई की वैल्यू कितनी आ रही है फोर, लॉजिकल एंड जे के ऊपर अप्लाई हो रहा है इसकी प्रायोरिटी हाई है तो पहले यही कैलकुलेट होगा तो नॉन जीरो और ये नॉन जीरो आउटपुट में क्या आ गया ट्रू, ट्रू लॉजिकल और फॉल्स तो आउटपुट में क्या आ गया लॉजिकल मतलब ट्रू क्योंकि एक दोनों ऑपरेंड में से एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट में हमेशा ट्रू आएगा।
तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में 1011। नेक्स्ट चलते हैं बी डॉट सी के ऊपर, सेम डेफिनेशन बिल्कुल सही है, डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, इंटीजर टाइप है, रिटर्न जीरो करता है, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है एक्स वाई जेड। अब एक्स इज ग्रेटर देन वाई लॉजिकल एंड, एक्स इज ग्रेटर देन जेड लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी से कम होती है, तो पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स कैलकुलेट होंगे उसके बाद में लॉजिकल एंड अब कैलकुलेट होगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई मतलब 20 इज ग्रेटर देन 40, ये हो गया फॉल्स। अब इधर क्या आएगा 20 इज ग्रेटर देन 45, ये भी हो गया फॉल्स। तो मतलब फॉल्स लॉजिकल एंड फॉल्स, तो आउटपुट में क्या आया फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं एल्स इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, लॉजिकल एंड है और ये रिलेशनल ऑपरेटर है, तो लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी से हाई रिलेशनल ऑपरेटर्स की होती है, इसलिए पहले दोनों ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर कैलकुलेट होंगे उसके बाद लॉजिकल एंड का नंबर आएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी है 40, एक्स की वैल्यू 20, तो ये हो गया ट्रू। वाई की वैल्यू 40, जेड की वैल्यू 45, तो ये हो गया फॉल्स। ट्रू लॉजिकल एंड फॉल्स, तो आउटपुट में क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि लॉजिकल एंड के ऊपर दोनों ऑपरेंड में से एक की वैल्यू पे अगर फॉल्स है तो आउटपुट आएगा आपके पास में फॉल्स। तो लॉजिकल एंड के अंदर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए ट्रू, तो ही अगर ट्रू आएगा तो ये भी एल्स हो गया। तो अब इस पे आ गया एल्स के ऊपर जेड इज ग्रेटर देन एक्स बिल्कुल 45 इज ग्रेटर देन 20 बिल्कुल सही है, 45 इज ग्रेटर देन 40 बिल्कुल सही है, तो वैल्यू क्या निकलेगी बिगेस्ट इक्वल टू जेड की वैल्यू, तो क्या आ रहा है 45। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास बिगेस्ट इक्वल टू 45। नेक्स्ट चलते हैं बी डॉट डी, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन चेक करते हैं, आई इक्वल टू -1 जे इक्वल टू 1 के एंड एल की वैल्यू असाइन करी गई है, तो के की वैल्यू चेक करते हैं, देखिए नोट आई और लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी से हाई किसकी है लॉजिकल नोट की, तो लॉजिकल नोट ये है -1, -1 का मतलब होता है 1 लॉजिकल के अंदर बाइनरी के अंदर, नॉन जीरो वैल्यूज को हमेशा 1 माना जाता है और 0 को 0 माना जाता है, तो नॉन जीरो वैल्यू है ये, तो नॉन जीरो वैल्यू का जस्ट रिवर्स करो तो ये हो गया कितना 0, और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 0 लॉजिकल एंड 1, तो लॉजिकल एंड के अंदर एक भी ओपेंड की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट क्या जाएगा 0। अब एल किया आ गया, एल के अंदर नॉट इक्वल आ गया, यहाँ पे ये लॉजिकल हो रहा है, सेम वही चीज आएगी कि लॉजिकल, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी -1 मतलब कि 1, तो ये तो आ गया 0, 0 लॉजिकल और 1, लॉजिकल और के ऊपर एक भी ओपेंड की वैल्यू अगर ट्रू है या 1 है तो आउटपुट में कितना जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी प्रिंट एप के अंदर परसेंटी आई और जे की वैल्यू, तो यहाँ पे आई और जे की जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है -1 और जे की वैल्यू कितनी है 1, ये जो हमने कैलकुलेशन करी ये तो बिना बात की हो गई, आउटपुट तो इसने आई और जे का करा है और आई और जे का असाइनमेंट इसने कहीं पे पूछा ही नहीं है, केवल और एल की कैलकुलेशन करवा ली हमसे बस। बी डॉट ई व्हाट विल बी द आउटपुट, सेम क्वेश्चन है हमारे पास में, डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है, रिटर्न टाइप दे रखा है, रिटर्न जीरो करता है, ये देखिए रिटर्न टाइप क्या होता है रिटर्न जीरो क्या होता है ये हम आगे एडवांस में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं तब हम देखेंगे किस तरह से क्या काम करता है। इंट आई इक्वल टू -4 जे एंड नम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क और कोलन का यूज करा, तो कौन सा ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर का क्या रूल होता है क्वेश्चन मार्क से पहले का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो होता है कंडीशन की, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला आंसर होगा, अदरवाइज कोलन के बाद का होगा। तो देखिए नम इज लेस देन जीरो, नम इज लेस देन जीरो, तो जीरो आएगा अदरवाइज ये आएगा, तो देखिए नम की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज तो है नहीं तो हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू आएगी, जीरो आएगी या क्या आएगी, तो इसका इवेल्युएशन तो हम कैसे करें, उसके बेस के ऊपर इसका इवेल्युएशन निकलेगा, इसकी कुछ वैल्यू असाइंड नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर नम की वैल्यू जीरो से कम हुई तो आउटपुट में चला जाएगा ये जे की वैल्यू जीरो, अदरवाइज नम का डबल स्क्वायर हो जाएगा जे की वैल्यू के अंदर, यहाँ पे तो प्रिंटअप के अंदर क्या आएगा जे की वैल्यू।
जीरो आ रही है। बाय डिफॉल्ट हमने मान के लिया है कि नम इंटीजर वैल्यू होती है तो जीरो होती है। आगे व्हाट विल बी द आउटपुट, सेम ही क्वेश्चन है, इनका हम आउटपुट चेक करते हैं। देखिए पिछले में नम की वैल्यू दे नहीं रखी थी इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने जीरो मानी थी उसकी, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन करी थी। अब इसके अंदर के की वैल्यू दे रखी हमको 30, तो देखिए 30 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स कंडीशन आ गई है। तो क्वेश्चन मार्क जो जस्ट बाद वाला क्वेश्चन था ये तो इवेल्युएट नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा ना, क्योंकि 30 इज ग्रेटर देन 5 है, ये ट्रू हो गई, ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन वो एक्सप्रेशन सोल्व होगा। अब यहाँ पे सोल्व कैसे होगा, नम मतलब 30 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये अलग से वो आ गया, देखिए टर्नरी के अंदर टर्नरी आ गया ये, कि अब यहाँ पे 30 इज लेस देन इक्वल टू 10 ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, तो कोलन के बाद की वैल्यू आएगी 200, तो इसका आउटपुट में क्या आ रहा है 200, इसका वैल्यूएशन क्या आ रहा है, इसका एक्सप्रेशन का 200, और इस कंडीशन को चेक कर दिया तो क्या आ रहा है पहले यहाँ पे 200, तो रिप्लाई में क्या जाएगा हमारे पास में आउटपुट में 200। ये हमने यहाँ पे नहीं 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 नम की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है ये, तो के की वैल्यू हमारे यहाँ पे 200 चली जाएगी, नंबर में तो 30 चला जाएगा क्योंकि के की वैल्यू 200 निकलेगी, लेकिन आउटपुट में तो हमारे पास में नम मांग रहा है। ओके मैं भी डर गया था अभी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज क्वेश्चन C.A। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है, पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, इंक्लूड STDI.h इनटू मैन। देखिए प्रोग्राम के अंदर एरर्स निकालने तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हेडर फाइल बिल्कुल सही है, फंक्शन का नाम बिल्कुल सही है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है, इफ कोड इक्वल इक्वल टू 1 एंड फ्लैग इक्वल इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे लॉजिकल एंड होना चाहिए था, ये इन्होंने नॉर्मल एंड लगा रखा है जो कि गलत है, तो इसके अंदर यही एरर है कि यहाँ पे डबल एम्परसेंड आना चाहिए था। सेकेंड हेडर फाइल बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन सही है, रिटर्न टाइप करता है, कैरेक्टर स्पाइक एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, पासवर्ड ये भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट का टर्मिनेटर भी लगा रखा है, इफ स्पाइक इक्वल इक्वल टू ए और, अब देखिए यहाँ पे और नाम का कोई कीवर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये जो और की जगह पे क्या आना चाहिए था, वर्टिकल लाइन आनी चाहिए थी 2, तो इसके अंदर एरर क्या है, और नहीं आना चाहिए था, और की जगह पे ये वाला सिंबल आना चाहिए था। थर्ड हेडर फाइल बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन सही है, आई इक्वल टू 10 जे इक्वल टू 20, आई का डिक्लेरेशन कर रखा है जे का डिक्लेरेशन कर रखा है, इफ आई इक्वल टू 5 एंड इफ जे इक्वल, देखिए इफ को लिखने का बिल्कुल तरीका गलत है, इफ के अंदर हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करेंगे, इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग इफ के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी लॉजिकल एंड, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इफ आई इक्वल टू दिस एंड दिस, इसकी जगह पे होना चाहिए था इफ आई इक्वल टू 5, ये इफ नहीं हटा करके इनके बाहर एक ब्रैकेट होना चाहिए था, इट शुड बी दिस, इसके जैसे होना चाहिए था, ये गलत है। सी डॉट डी के अंदर क्या करते हैं, हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग ब्रासेज है, क्लोजिंग ब्रासेज है, रिटर्न जीरो करता है, वेरिएबल डिक्लेयर विद असाइनमेंट है, एक्स वैल्यू 10 है, वाई इक्वल टू 20, देखिए यहाँ पे एंड लिख दिया है, एंड की जगह पे लॉजिकल एंड को डबल एम परसेंट से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डबल एम परसेंट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था उसके जगह पे, एंड की जगह पे लॉजिकल एंड। प्रिंट आउट द एरर्स, हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग क्लोजिंग और रिटर्न बिल्कुल सेम है, एक्स इनिशियलाइज करा हुआ है, 2 की वैल्यू डाल रखी है, एक्स की वैल्यू 2 है, लॉजिकल एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये कंपेयर करेगा ट्रू फॉल्स, और ये यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 की एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यहाँ तो कर देगा ये ट्रू, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इसका फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो आउटपुट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स, तो ये चला जाएगा प्रिंट के अंदर, ये बाई चला जाता है, तो इसका इसके अंदर
कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसके अंदर हमने ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी डाली है ताकि कैलकुलेशन के बेस्ड होगा। ये एसटीडीआई डॉट एच बिल्कुल सही है, मेन ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, रिटर्न जीरो आ गया। आई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे विथ इनिशियलाइजेशन। हम चेक करें इफ आई लॉजिकल एंड जे इक्वल टू 10, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है क्योंकि आई अकेला जो है वो भी नॉन जीरो वैल्यू है तो वह एज ए ट्रू के तरह काम करेगा, इसका वैल्यूएशन निकल कर क्या करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। हेडर फाइल बिल्कुल सही है, मेन फंक्शन सही है, जे की वैल्यू 65 है, ये जे इज ग्रेटर देन दिस, जे की वैल्यू आउटपुट के अंदर हमारे पास में नॉर्मल आ जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर भी कोई एरर नहीं है क्योंकि डिक्लेरेशन सही है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये निकाल रखा है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है लेकिन वैल्यू डाल रखे तो कुछ नहीं, एरर हमारे प्रोग्राम देगा नहीं। हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, डिक्लेरेशन सही है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करा गया है, i इज ग्रेटर देन 5, ये बिल्कुल इसका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा क्या, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन मार्क इस कंडीशन का क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है, 10 इज ग्रेटर देन, ये ट्रू है तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, अदरवाइज j की वैल्यू होती 15, तो j की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका जब आउटपुट निकालेंगे तो i की वैल्यू कितनी है 10 और j की वैल्यू भी 10 निकलेगा, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ये नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं हम, इसमें हमें लिख रखा है a इक्वल टू, देखिए हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न जा रहा है। अब a इक्वल टू b, पाइप इक्वल टू b, नहीं कंडीशन हो गई गलत, तो कंडीशन गलत हो गई तो कोलन के बाद का प्रिंट होगा, तो कोलन के बाद का तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कोलन मिसिंग है, तो टर्नरी ऑपरेटर ही इनकम्प्लीट है, तो इसके अंदर गलत हो जाएगा, देयर इज कोलन मिसिंग। नेक्स्ट में क्या आता है, हेडर फाइल सही है, मेन फंक्शन सही है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न टाइप है, एन की वैल्यू 9 है, तो अब इसको प्रिंट करके चेक करेंगे, एन इक्वल टू 9 इक्वल टू बिल्कुल ट्री हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टर्नरी ऑपरेटर के एक स्टेटमेंट का केवल एक ही एंड हो सकता है। अगर इफ एल्स केवल एक स्टेटमेंट लिखना होता तो हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये प्रिंटअप के बाद में उन्होंने सेमीकोलन लगा दिया, इस मतलब कि स्टेटमेंट को टर्मिनेट यहां कर दिया तो आगे का स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा, तो बता देगा कि भैया कोलन है ही नहीं, मिसिंग है, ऑपरेटर ही गलत है, तो इसके अंदर सेमीकोलन नहीं होने चाहिए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर्स से बुक के फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट ए। इसके अंदर हमसे बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी ईयर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, यूज द लॉजिकल ऑपरेटर एंड एन और। देखिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि कीबोर्ड के थ्रू कोई एंट्री आई है वो लीप ईयर है या नहीं है, उसका यूज करना है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए लीप ईयर होता क्या है। देखिए लीप ईयर के ऊपर 3 कंडीशंस लागू होते हैं, एक तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, कंपल्सरी है, और कोई डिजिट जिसके लास्ट में 00 आ रही है तो वो 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, अगर वो 100 से डिवाइड हो रही है तो 400 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होती है। तो मतलब कि अल्टीमेटली हमारे 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए और 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 100 से डिवाइड करने पर उसका आउटपुट के अंदर कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि या तो वो 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, मतलब प्रोग्राम हमारा लिखते हैं, हमने लेटर सी के अंदर टर्बो सी के अंदर चलते हैं, लॉजिकल और लॉजिकल एंड, ओके ये हमने शुरुआत में थोड़ा कुछ लिख रखा है, इनको हटा देते हैं। देखिए वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखे हैं, जो हेडर फाइल्स हैं उनका यूज क्या होता है ये हम हमारे हर प्रोग्राम में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो प्लीज अगर आप नए आए हैं तो पहले के सारे वीडियोस को पढ़ें, लेक्चर्स को सुनें, उनको प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस लेक्चर तक पहुंचे, क्योंकि सी हम पढ़ केवल इसीलिए रहे कि हमारे प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बेसिक कंसेप्ट के अंदर ही हम ऐसा करेंगे, भागा दौड़ी करेंगे कि नहीं यार वो आ गया आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ नहीं आएगा। अगर आप इसके ऊपर 5 मिनट वेस्ट करें तो वो आपके टोटल वेस्ट ही रहेगा, वो इन्वेस्ट नहीं होगा। तो आप इस प्रोग्राम से आने से पहले अगर आपने पहले के प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि एक एक कीवर्ड का मतलब क्या है, एसटीडीआई क्या है, कोनियो क्या है, मेन क्या होता है, सीएलआर एससीआर क्या होता है, गैच क्या होता है, इन सबका आपको पता लगेगा। अब हम आते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर। देखिए
वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया ईयर, जो कीबोर्ड से हम इनपुट लेंगे। स्कैनअप के अंदर हमने ईयर की वैल्यू ले ली है। अब इसको चेक करते हैं, देखिए हमारे पास में वैल्यू क्या है। पहला तो यह है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, इफ ईयर मॉड्यूलस ऑपरेटर 4 से अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एंड कि ये जो ईयर आ रहा है वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ईयर मॉड्यूलस 100 से अप्लाई करा तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ही हमारा ये आउटपुट के अंदर लीप ईयर जाएगा 20th is leap year। ओके, यहां पे मैनुअल एंड करेक्टर के लिए देता हूं प्लस एन, और यहां मैं दे दूंगा परसेंट नहीं ईयर, एल्स कंडीशन में आ गया कि जो एंट्री करी थी इज नॉट ए लीप ईयर, इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, देखिए अब इस कंडीशन को हमको एंड और लॉजिकल और को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो हो गया हमारे पास में ये वाली कंडीशन, ये अब इसके साथ में अप्लाई करना है, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली कि 4 से, या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए पूरा का पूरा, मॉड्यूलस 0 रिमाइंडर 0 आना चाहिए और 100 से डिवाइड करने के ऊपर 0 नहीं आना चाहिए, या फिर जो भी ईयर की एंट्री करें वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए, ईयर के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई करा 400 से तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो 400 से डिवाइडेड होगी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये लीप ईयर आ गया। अब इसको एक्चुअली में लिखने का पूरा तरीका यहाँ पे भी हमारा सेमीकोलन एंड आना चाहिए। वैसे तो जब इसके अंदर हम काम कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस तो ये होती है इसके साथ में इन दोनों को भी हम लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के अंदर एंट्री करें, एंट्री का मतलब देखिए ऐसा करने से हमारे प्रोग्राम की क्या है स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हम हमारे कंपाइलर को ऑलरेडी बता देते हैं कि भाई आपको कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस या ऑपरेटर प्रायोरिटी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये गैच ही हमने एंटर कर दिया है, ये एप टू हमने सेव कर दिया है, अब इसको हम ऑल्ट एप 9 से डीबग करेंगे, कंट्रोल एप 9 से रन करा देंगे, तो ईयर जैसे हमने डाला 2000, तो ये लीप ईयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देखिए 4 से डिवाइडेड हो रहा है, 100 से भी हो रहा है और ये तो 400 से भी होता है, तो ये लीप ईयर से है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, प्रोग्राम हमने लिख लिया है पूरा का पूरा। ओके, तो इस तरह से हमारा लीप ईयर आइडेंटिफाई हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 4th चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.B। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी कैरेक्टर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द कैरेक्टर एंटर्ड इज ए कैपिटल लेटर, ए स्मॉल केस लेटर और ए डिजिट और ए स्पेशल सिंबल, द फॉलोइंग टेबल शोज द रेंज ऑफ ASCII वैल्यूज फॉर वेरियस कैरेक्टर्स। देखिए इसके अंदर हमको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज करने हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज करने हैं, तो इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए चलते हैं प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है कि जब भी हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर, तो कैरेक्टर को कंपेयर जब भी हम करेंगे तो उसके अंदर करेंगे किससे, उनके ASCII वैल्यू से। तो चलिए हम प्रोग्राम रन लिख देते हैं। क्लोड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, प्लीज फॉलो प्रीवियस ऑल रिकॉर्ड्स ऑल लेक्चर्स, ताकि आपको हर चीज का पता रहे कि क्या है क्या नहीं है, क्या कीवर्ड होते हैं, क्या मेन फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है। इंट कैरेक्टर का इनपुट लेना है हमें, तो कैरेक्टर सी, क्लियर स्क्रीन क्या होती है, कैच का यूज क्यों करते हैं, प्रिंट एफ क्या होता है, इन सभी का जवाब आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा।
इसके अंदर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है सी, सी है कैरेक्टर कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी, यहाँ पे हमने लिख दिया है। और एम परसेंट सी का मतलब क्या है कि इसने वेरिएबल के अंदर एम जो सी वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है वो हमें बताएगा। अब हमको चेक करना है कि जो हमने कीवर्ड एंट्री करी है वो कैरेक्टर है कि क्या है, कैरेक्टर आइडेंटिफाई सी कैरेक्टर डॉट सी, ये हमने कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम चलते हैं कंडीशन को देख लेते हैं कि कंडीशन क्या थी हमारी, इसके बेस के ऊपर हम लिखते चलेंगे इसके अंदर कंडीशन देख करके कि जो भी वैल्यू आई है अगर कैरेक्टर ए से लेके जेड तक एंट्री करी है तो उसकी वैल्यू होगी 65 से 90 तक, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 90, तो ये क्या होगा 20F के अंदर एंटर्ड इनपुट कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर। अब आगे बढ़ते हैं, एल्स इफ अगर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो 97 है एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 120 है तो क्या होगा प्रिंट एफ एंटर्ड इनपुट कैरेक्टर इज स्मॉल लेटर। प्रोग्राम को हम बड़ा भी करेंगे, एक बार कंडीशन सारी देख लेते हैं। थर्ड है एल्स इफ सी की वैल्यू अगर 48 है जो उससे बड़ी है एंड सी की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 57 है तो क्या होगा एंटर्ड कैरेक्टर इज डिजिट। लास्ट में आता है स्पेशल सिंबल, अगर 0 से 47 है, 58 से 64 है, 91 से 96 है, 123 से 127 है तो। अब इसके अंदर क्या करना है एल्स इफ, अब देखिए इसकी कंडीशन हम चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पैरेंथेसिस में हमने लिख दी है कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 47 है तो स्पेशल सिंबल है, या सी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 58 है एंड सी की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 64 है। ये हम करेंगे, रेंज डिफाइन कर रखी है हमारे पास में इतनी सारी, उन रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 91 है एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 96 है, या फिर या का मतलब है और लॉजिकल एंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 123 है एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 127 है तो ये स्पेशल कैरेक्टर है। एंटर्ड कैरेक्टर इज स्पेशल सिंबल है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको बड़ा कर देता हूं प्रोग्राम को। देखिए प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है कि सी की वैल्यू आज की वैल्यू सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है या इज लेस देन इक्वल टू 90 है, मतलब कि देखिए हम सी को चेंज कर सकते हैं, जब भी हम कैरेक्टर इनपुट लेंगे उसको जब इंटीजर टाइप के अंदर वैल्यू में जाएगा तो सी के आज की वैल्यू को कंपेयर कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग दे देगा।
यहां पे हमने केवल लिखा है लॉजिकल एंड का यूज करा है, यहां पे रिलेशनल ऑपरेटर्स, और रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हाई होती है तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, फिर ये होगा और उसके बाद में लॉजिकल एंड होगा। सेम इसके अंदर पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये अप्लाई होगा, उसी तरह से लास्ट के अंदर अब चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सब बहुत इजी कर दिया कि हर कंडीशन को हमने पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया है, तो सबसे पहले ये पैरेंथेसिस कैलकुलेट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, और इन चारों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो ये स्पेशल सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रोग्राम को डीबग कराते हैं, कंपाइल कराते हैं। ये हमारे पास में एक दिया कॉन्स्टेंट आउट ऑफ रेंज इन कंपेरिजन, कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ करी है कि अगर इज लेस देन इक्वल टू 127 C is greater than equal to 123 and C is less than equal to 127 out of comparison बता रहा है। ठीक है, रन करा लेते हैं। तो हमने एंटर करा U, entered input character is small letter। देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ताकि enter any character ये आ जाएगा, और उसके बाद में हम यहाँ पे स्लैश एंड स्लैश एंड कर देते हैं। कंट्रोल एफ नाइन। अब मैंने एंट्री दी है इसको कैपिटल ए की, तो क्या बोला ये इनपुट कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर। ठीक है, इसको वापस से रन कराते हैं हम, और इस बार मैं एंट्री करता हूं इसके अंदर इसकी एंटर कैरेक्टर इज स्पेशल सिंबल, तो इसने सारे सारे वैल्यूज हमको निकाल के दे दी। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का। इसके अंदर हमने यूज करा है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल और लॉजिकल एंड और इफ एल्स का यूज करके। सोचेगा इसके अंदर हम लॉजिकल और लॉजिकल एंड का यूज नहीं करते, इफ एल्स का करके हम कितने सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ते, तो कितना बड़ा हमारा प्रोग्राम हो जाता जो कि हमारा कुछ ही लाइंस के अंदर खत्म हो गया। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.C। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करने के लिए क्या बोला गया, सर्टेन ग्रेड ऑफ स्टील इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस, हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7, टेंसिल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन, ये कुछ पैरामीटर है जिसके बेस पे हमें कैलकुलेशंस करनी है। एक ग्रेड दे रखी, ग्रेड 10 को देनी है जब तीनों कंडीशंस मेट हो, ग्रेड 9 देनी है जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मेट हो, ग्रेड 8 है सेकंड और थर्ड के मैच होने पे, ग्रेड 7 है कि फर्स्ट और थर्ड सही है तो, ग्रेड 6 है अगर कोई भी एक सही हो जाती है तो, ग्रेड 5 है कि कोई भी नहीं मिलती है तो। तो राइट ए प्रोग्राम विच रिक्वायर द यूजर टू गिव वैल्यूज ऑफ हार्डनेस, कार्बन कंटेंट एंड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अंडर कंसिडरेशन एंड आउटपुट द ग्रेड ऑफ द स्टील। ठीक है, हमें ग्रेड की स्टील निकालनी है, ये तीन इनपुट के अंदर लेने की, हार्डनेस, कार्बन और टेंसिल। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम को हम लिखने की तैयारी करते हैं। पहले इनपुट लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं फाइल को सेव कर देता हूं स्टील ग्रेड से। ठीक है, इनक्लूड COIDMAIN मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, गेट जो स्किन को होल्ड करके रखता है, CLRSCR जो कि एग्जिस्टिंग जो भी स्किन के ऊपर इनपुट होगा उसको खत्म कर देता है। देखिए उसके अंदर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू भी दी गई थी, तो हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल भी ले लेते हैं। फ्लोट के अंदर क्या था, हार्डनेस, कार्बन हार्डनेस, टेंसिल, ये तीन वेरिएबल थे, तो तीनों का इनपुट लेते हैं हम। एंटर वैल्यू ऑफ कार्बन,
इसकी वैल्यू को हम स्कैन करा लेते हैं कीबोर्ड से। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐप यूज हुआ है क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। एम परसेंट कार्बन का मतलब है कि कार्बन जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। एंटर वैल्यू ऑफ हार्डनेस, देखिए जब भी आप इनिशियली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर प्रोग्राम को पूरा बेसिक से लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कुछ चीज आप बाईपास कर देते हो, तभी तो प्रैक्टिस करने के लिए करी हुई है। हार्डनेस एंटर वैल्यू ऑफ ये हो गया स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट, इनके सबके अंदर लास्ट में हम लगा देते हैं न्यू कैरेक्टर लाइन ताकि नई लाइन के अंदर आता रहे हमारे पास, ठीक है। अब इनको कंपेयर करके चेक कर लेते हैं सही है। अब हमें लिखनी है इनकी कंडीशंस, तो कंडीशन लिखने के लिए हमें वापस से क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या नहीं है। कंडीशंस के अंदर चलते हैं तो पहले बोलता है द ग्रेट ईस्टर्न इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर मेट। चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं इनके अकॉर्डिंग। इफ टैंक जब तीनों कंडीशन कार्बन की वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए, इफ कार्बन इज ग्रेटर देन 50 एंड हार्डनेस है, वो हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 एंड कार्बन इज लेस देन 0.7 एंड टेंसिल TNSILE इज ग्रेटर देन 5600। देखिए हमने वेरिएबल के अंदर नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी थी तो ठीक कर देते हैं ताकि प्रॉपरली सही रहे, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस मैच हो जाएंगी तो क्या होगा, स्टील ग्रेड 10 हो जाएगी, ठीक है, अगर तीनों की तीनों कंडीशंस सही हो गई तो। अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन, प्रोग्राम को वापस से हम बड़ा करेंगे जैसे पिछले वाले करा था, पहले इसको चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं इन कंडीशंस को इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इफ 9 ग्रेड होगी, जब अगर फर्स्ट और सेकंड सही होंगी तो मतलब कि हार्डनेस और कार्बन दोनों मैच होनी चाहिए तब जाकर के ये चीजें सेट होगी, तो इनको हम कॉपी कर लेते हैं जी, हमारी शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ग्रेड 10 स्टील ग्रेड इक्वल टू 9, ये भी स्लैश एन होगा, ठीक है। अब मैं इनको कॉपी कर लेता हूं जो भी डिमांड करता है इससे देखे कर लेता हूं भाई। अगर क्वेश्चन 8 ग्रेड कब होगी, जब सेकंड एंड थर्ड मीट करेगी तो, एल्स इफ सेकंड एंड थर्ड कार्बन की वैल्यू और टेंसिल की वैल्यू अगर ये ठीक होंगी मैच करती है तो ग्रेड 8 हो जाएगी, ठीक है। एंड तक ग्रेड 8 स्टील ग्रेड इक्वल टू 8,
F2। देखिए प्रोग्राम को बार बार बीच में सेव करने की आदत बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि कंप्यूटर को भरोसा नहीं, मशीन है, कब जवाब दे देगी। तो अगर आपने सेव नहीं करा तो जितना भी काम करा सब बेकार हो जाएगा, इसलिए इनको टाइम टू टाइम पे सेव करते रहना चाहिए। फोर्थ क्या, फर्स्ट एंड थर्ड अगर सही होती है तो फर्स्ट एंड थर्ड सातवीं हो गई। अब इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट, अगर इनमें से केवल एक कंडीशन अगर सही होती है तो ये होगा हमारे पास में सिक्स ग्रेड का, else shift insert। कोई एक को कंपेयर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिकल और, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हो जाएगा ग्रेड सिक्स का। एल्स स्टिल की ग्रेड हो जाएगी फाइव। एफ टू कर लेते हैं इसको, अब इसको बड़ा भी कर दिया हमने, देखिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड का यूज करा है कि तीनों की तीनों कंडीशन ट्री होंगी तो ग्रेड टेन होगा, अगर ये दोनों थ्री होंगी तो ग्रेड नाइन होगी, ये दोनों होंगी तो एट होगी, ये दोनों होंगी तो सेवन होगी, और कोई भी एक हो जाएगी तो सिक्स होगी, अदरवाइज फाइव होगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा करके चेक कर लेते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। तीन एरर्स आ गए हमारे पास इसके अंदर, क्या एरर आई है देखते हैं। अनडिफाइंड सिंबल टेंसिल, ओके यहाँ पर मैं चेंज कर दिया था इसको, तो इसको हटा देते हैं एच। अब कॉल डिफाइंड करा, डीबग करा, अभी भी दो एरर आ रही है हमारे पास में। अनडिफाइंड सिंबल वही सेम, ई एन एस आई एल ई, हमने क्या यूज में लिया है, टी एन एस आई एल, हटा देते हैं इसको। देखिए वन बाय वन प्रोग्राम को और आपके सामने लिखने से एक्चुअली डिबग कैसे करते हैं ये भी आपको पता लग सकता है। ये प्रोग्राम अगर लिखा हुआ ऑलरेडी रिटर्न में होता तो ये सारी एरर्स आती नहीं, तब एरर्स हमें जनरेट करनी पड़ती है। अब जब प्रोग्राम करते टाइम पे जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू एरर्स रह गई हैं, स्टेटमेंट मिसिंग टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर मिसिंग है। Alt F9, अभी भी एक एरर रह गई है। अनडिफाइंड सिंबल टेंसिल, Alt F9, बिल्कुल एरर फ्री हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। कार्बन की वैल्यू हमने दे दी है, मान लीजिए 0.5, हार्डनेस की दे दी हमने 20 और टेंसिल की दे दी हमने 5000, तो स्टील ग्रेड 6 आ गई। 6 के अंदर क्या था कि तीनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए, तो मैच हो गई होगी तो हमारे पास में आउटपुट आ गया, तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो गया और पूरा बन गया है। तो इस तरीके से लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, रिलेशनल ऑपरेटर, इन सबको कंबाइंड यूज करके हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम सोल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट की बुक का फोर्थ चैप्टर, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.D। इसके अंदर हमसे बोला गया, इफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट। द ट्रायंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, मतलब ट्रायंगल वैलिड है कि इनवैलिड है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये कि जो त्रिभुज ट्रायंगल की तीन साइड्स होती है उसमें जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका सम बाकी जो दोनों साइड्स के सम से है कम होना चाहिए। तो मतलब कि हमारे पास में तीन साइड्स हो गई है, ए बी और सी। अब हमें सबसे पहले इनमें से एक मैक्सिमम साइड निकालनी पड़ेगी, अब मैक्स को कंपेयर करना पड़ेगा कि अब बाकी दोनों से इक्वल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैक्स इक्वल टू ए है, मैक्स ए के बराबर है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लॉजिकल एंड लगा के कि मैक्स इज लेस देन ए, यानी बी प्लस सी। अगर मैक्स इक्वल टू बी है तो
लॉजिकल एंड में हमें चेक करना पड़ेगा क्या मैक्स इज लेस देन है ए प्लस सी के, मैक्स इक्वल टू सी है तो लॉजिकल एंड लगा के हमें चेक करना पड़ेगा क्या मैक्स इज लेस देन है ए प्लस बी के। तो हमें मैक्सिमम काउंट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वाली साइड कौन सी है, बाकी इनसे कंपेयर करना पड़ेगा ए बी सी से। और मैक्सिमम कैसे काउंट करेंगे, देखिए सबसे सिंपल सी चीज बता देता हूं कि सबसे पहले मान लेंगे कि मैक्सिमम इक्वल टू ए है। अगर अब उसके बाद चेक कर लेंगे इफ मैक्स इज लेस देन बी तो मतलब कि बी बड़ा है तो मैक्स को क्या साइन कर देंगे बी। इसके बाद चेक कर लेंगे क्या बी मैक्स सी से छोटा है, अगर है तो मैक्स के अंदर क्या डाल देंगे हम सी, बाकी नीचे हम कंपेरिजन कर लेंगे तो सिंपल छोटा सा प्रोग्राम बन जाएगा। तो अब इसको हम प्रोग्राम को बना के चेक कर लेते हैं। फाइल सेव कर देता हूं, ट्रायंगल वैलिड पी वैलिड डॉट सी, इनपुट के अंदर वही नॉर्मल हेडर फाइल्स, इनपुट के अंदर आ गया ए बी सी मैक्स सी एल आर एस सी आर टू यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, गैच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब हम इनपुट में ले लेते हैं प्रिंट एफ एंटर साइड ए, ए की वैल्यू आ गई, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए, एम परसेंट ए क्या करता है वेरिएबल ए की लोकेशन कहां पर है मेमोरी वो हमें बताता है, परसेंट डी एंटर साइड बी CNF परसेंट डी एम परसेंट बी। एंटर साइड सी स्कैनएफ परसेंट डी एम परसेंट सी, ये हमने वैल्यू तीनों के दोनों ले लिए। अब हमको क्या सबसे पहले क्या चेक करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने। तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या सोचा था कि मैक्सिमम के अंदर हम डाल देंगे एक को। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ मैक्स इज ग्रेटर देन बी लेस देन बी है तो मैक्स के अंदर क्या आ गया बी की वैल्यू आ गई, मैक्स बराबर बी आ गया है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि b से भी, अब जैसे मान ले कि मैक्स b से बड़ा हो c से बड़ा हो तो मैक्स अगर c से छोटा है तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। अब हमें कंपेयर करना है, देखिए ये हमें सबसे पहले तो हमने डाल दिया मैक्सिमम, तीन नंबर थे हमारे पास, सबसे पहले नंबर को पूछे वो ये सबसे बड़ा है, फिर दूसरे से कंपेयर कर लिया कि अगर ये इससे छोटा है तो ये जो है ये इसके अंदर असाइन हो जाएगी, तो वो असाइन हो गए तो फिर तीसरे से कंपेयर कर लिया कि अगर तीसरा वाला बड़ा है तो उसकी वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं, फिर उससे कंपेयर कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास में से निकल गई है। अब हमें चेक करना है कि ट्राइंगल की वैलिडिटी सही है या नहीं है। तो ट्राइंगल की वैलिडिटी के लिए क्या होगा, इफ मैक्स की वैल्यू मान लीजिए कि ए के बराबर है, यदि ए जो है ए साइड है जो मैक्सिमम है तो होना चाहिए बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन मैक्स तो होगा ट्राइंगल वैलिड। ट्राइंगल इज वैलिड। अब इसकी जगह पे ये नहीं होता है तो दूसरा चेक कर लेते हैं, एल्स इफ मैक्सिमम इक्वल टू अगर बी है तो क्या होना चाहिए ए प्लस सी की वैल्यू मैक्स से बड़ी होनी चाहिए, प्रिंट एफ के अंदर क्या आ जाएगा
क्लियर है, ये एंगल इज वैलिड। इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है, इफ मैक्स की वैल्यू अगर सी है एंड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मैक्स है तो वैलिड है ट्राइंगल। अदरवाइज ट्राइंगल नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, देखिए हमने कंपेयर कर लिया तीनों साइड्स को कि अगर मैक्सिमम ए साइड सबसे बड़ी है या बी साइड सबसे बड़ी है, सी साइड सबसे बड़ी है, तो फिर ये कंडीशन बनती है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो रही है तो कोई भी नहीं हो रही है तो हमारे पास में ट्राइंगल इनवैलिड रहेगा। तो हम चेक करके देख लेते हैं, फर्स्ट की वैल्यू डाल दिया हमने 10, सेकंड की वैल्यू डाल दिया हमने 15 और उसकी वैल्यू डाल दिया हमने 25। तो सी नहीं, 25 तो बड़ा नहीं होगा, 24 डाल देते हैं कि सी बड़ा है, 15 और 20 25 उससे बड़े हैं तो इस वैलिड आना चाहिए, ट्राइंगल इज वैलिड। तो इस तरीके से ट्राइंगल की वैलिड है कि इनवैलिड है का प्रोग्राम हमारा पूरा का पूरा बन गया, रेडी है। अब हम स्टडी कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज क्वेश्चन डी डॉट ई। इसके अंदर हमसे बोला गया है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज आइसोस्केलस इक्विलेटरल स्केलन और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि कीबोर्ड के थ्रू हमें इनपुट लेना है कि तीनों साइड्स एंगल ट्राइंगल की, और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि आइसोस्केलन है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, राइट एंगल है। तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि चारों तरफ जो ट्राइंगल होते क्या हैं। आइसोस्केलस क्या होता है, जिसकी कि केवल दो साइड्स इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल, और जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं होती तो वो होता है स्केलन। और राइट एंगल क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जिसके अंदर अप्लाई हो जाती है वो ट्राइंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब कि ट्राइंगल की पहली साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इक्वल टू तीसरी साइड का स्क्वायर। ओके, तो इसको प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हम चलते हैं हमारे टर्बो सी के अंदर, चेक करते हैं वहां पे प्रोग्राम को लिख करके। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम छोटे स्क्रीन में लिखते हैं, बाद में हम बड़ी कर लेंगे ताकि कुछ मिस्टेक ना हो कि हमें क्या क्या करना है। इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी है नॉर्मल इनपुट आउटपुट के लिए। पोनियो डॉट है, सबको पता है कि हम यूज करते हैं जी टी सी एच फंक्शन के लिए। देखिए इसके अंदर स्क्वायर रूट और पावर कम को यूज करना पड़ेगा, तो हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं मैथ डॉट एच हेडर फाइल को भी, जिसके अंदर की दोनों फंक्शंस अवेलेबल हैं एस क्यू आर टी और पावर भी। इसके बाद में लिखा हमने वॉइड मैन, वॉइड मैन मतलब कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये हमने स्क्रीन को होल्ड कर दिया फॉर आउटपुट। हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तीन, तीनों साइड्स सी एल आर एस सी आर का यूज करते हैं हम क्लियर स्क्रीन करने के लिए कि भाई ऑलरेडी अगर आउटपुट के ऊपर कंसोल के ऊपर कुछ लिखा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट टैप एंटर साइड ए, स्कैन एप, स्कैन एप के अंदर हम क्या करते हैं परसेंट डी तो लगा दिया हमने इंटीजर का फॉर्मेट आइडेंटिफायर के लिए, और एम परसेंट ए, एम परसेंट क्यों लगाते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो वेरिएबल है उसके मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिखते हैं इसको साइड बी, क्योंकि जब तक हमें मेमोरी की लोकेशन पता नहीं लगेगी सी लैंग्वेज के अंदर तो वेरिएबल का एक्सेस नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। एम परसेंट बी, देखिए इसके अंदर हम छोड़ते जा रहे हैं स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस को,
ताकि जब भी कुछ लिखा जाए तो नई लाइन के अंदर लिखा जाए। ये हो गया। इसके बाद में हम करते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ पर हमने सेमीकोलन लगा के इसको खत्म कर दिया है। परसेंट डी इसके बाद में लगाते हैं हम जो वेरिएबल के हम इसको कॉल कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमारे पास में सी आ गया। अब हमें चेक करना है सबसे पहले हम चेक करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को ही। राइट एंगल ट्राइंगल के क्या होता है, इफ जो सी है क्या वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के लिए क्या कॉल करेंगे, एस क्यू आर टी ऑफ किसका, पावर ऑफ ए स्क्वायर प्लस पावर ऑफ बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर ये है तो हमारा जो ट्राइंगल है वो आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको भी नो लाइन कैरेक्टर में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं। हमें चार बार कॉपी करना है इसको। ठीक है, सेकंड जो लाइन है उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर हम इसके बाद में चेक कर लेते हैं, एल्स इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। कि भाई ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, मतलब कि तीनों के साइड इक्वल है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर एल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होगा, एल्स इफ ए इक्वल इक्वल टू बी या बी इक्वल इक्वल टू सी, या जो या बोल रहा हूं वो तो मतलब है लॉजिकल और, ए इक्वल इक्वल टू सी मतलब कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, तो ए इक्वल हो बी के लॉजिकल और लगा दिया, फिर बी इक्वल टू सी हो या ए इक्वल टू सी हो जाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये हो जाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब अगर तीनों साइड ही इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो हमारा ये आ जाएगा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को क्यों यूज करा, हमने दूसरा कुछ यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल जब भी है तो उसके अंदर तीनों की तीनों साइड अलग हो सकती है, ए बी सी। अगर इसको हम सबसे लास्ट में करते हैं तो हमें उससे पहले हम चेक कर चुके होते कि तीनों साइड अलग है तो वो स्केलन ट्राइंगल हो जाएगा। इस कंडीशन में राइट एंगल ट्राइंगल तो कभी भी नहीं आता, इसलिए ये भी हमें प्रोग्राम लिखते टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है सभी पॉसिबिलिटी के साथ में कि कब किसका आउटपुट भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कर देते हैं पहले एल्ट एफ नाइन, एफ टू से हमने सेव कर दिया इसको ट्राइंगल को, कंट्रोल एफ नाइन हमने रन कराया। पहली साइड दी हमने दो, सेकंड साइड दी हमने थ्री और फोर्थ साइड दी हमने थ्री, तो मतलब कि ये आइसोस्केलन आना चाहिए, स्केलन ट्राइंगल दे दिया इसने। क्यों स्क्रीन ट्राइंगल क्यों दे दिया जबकि तीनों के तीनों इक्वल है, तो ए बी एंड सी इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पे हमने एम परसेंट सी नहीं लगाया तो उसने कोई भी गार्बेज वैल्यू ले लिया। कंट्रोल एफ नाइन, इसकी वैल्यू दी दो थ्री थ्री, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको वापस से हम रन कराते हैं तो ए की वैल्यू दी हमने टू थ्री एंड फोर, स्केलन ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसको पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं हुई। वापस से रन कराते हैं टू टू टू, इक्वलेटर ट्राइंगल की तीनों इक्वल आ गई है।
अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी चेक कर लेते हैं। ए दे दी हमने 4, ये दे दी 3 और ये दे दी हमने 5। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर हो गया 25, इक्वल टू होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये प्रोग्राम है जिससे हमने आइडेंटिफाई करा है कि एक ट्रायंगल के कितने कितने टाइप होते हैं, और हमने इसके अंदर यूज करा है मैथ डॉट एच के पावर फंक्शन का, स्क्वायर रूट फंक्शन का, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, लॉजिकल और ऑपरेटर का, और इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे लॉजिकल नॉट का भी अगर यहाँ पे एल्स के अंदर कंडीशन लगाती है तीनों की तीनों साइड इक्वल नहीं है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का 4th चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट एफ। इसके अंदर हमसे क्या बोलेगा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। इन बॉक्सिंग द वेट क्लास ऑफ ए बॉक्सर इज डिसाइडेड एज पर द फॉलोइंग टेबल। राइट ए प्रोग्राम दैट रिसीव वेट एज इनपुट एंड प्रिंट आउट द बॉक्सर्स वेट। इनपुट के अंदर हम बॉक्सर का इनपुट लेना है वेट, और हमें बताना है कि बॉक्सर किस क्लास के अंदर फाइट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या यूज करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करना है, क्योंकि नॉर्मल इफ एल्स का तो हम डिसीजन मेकिंग के अंदर देख चुके हैं। डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है ये हम इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो हम चलते हैं हमारे टर्बो सी के अंदर। प्रोग्राम पहले तो हम बड़ा ही लिख देते हैं फिर छोटा कर लेंगे कंडीशंस के हिसाब से। एस इंक्लूड stdio डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की ये हेडर फाइल है, इसको लगाना कंपलसरी है। conio डॉट एच को इसलिए लगाना कंपलसरी है क्योंकि आपको अगर आउटपुट देखना है स्क्रीन के ऊपर तो वो इसी के थ्रू दिखेगा, क्योंकि इसी के अंदर अवेलेबल होता है getch कैच फंक्शन जो कि होल्ड रखता है आउटपुट स्क्रीन को जब तक कि आपको दूसरा की प्रेस नहीं कर देते। तो इसके अंदर क्या इंट वेट CLR, SCR, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखा होगा तो उसको ये क्लियर कर देगा। एंटर बॉक्सर वेट, यहां से बॉक्सर अपना वेट एंटर करेगा तो हमें पता लगेगा कि बॉक्सर कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। ये आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज लगाना कंपलसरी है, वो वेरिएबल से पहले एम परसेंट लगाना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि मेमोरी की लोकेशन क्या है। अगर एम परसेंट नहीं लगाएंगे किसी वेरिएबल के आगे तो हमें कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा करके कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर कर देगा। बॉक्सर डॉट सी, अब देखिए कैटेगरी को चेक करना हमें, तो कैटेगरी के अंदर क्या क्या अवेलेबल था। कैटेगरी के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है ये सारी चीजें कि अगर वेट 110 से कम है तो कैटेगरी कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इफ यूज करेंगे, इफ के अंदर क्या है, अगर डब्ल्यू की वैल्यू इज लेस देन है 115, इज लेस देन क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तो प्रिंट एफ में क्या जाएगा हमारे पास स्लैश एन लगा देते हैं। बॉक्सर क्लास इज फ्लाईवेट, ओके अगर ये नहीं है तो एल्स के अंदर जाएंगे इफ, एल्स इफ डब्ल्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 115 से, एंड ये लॉजिकल एंड है डब्ल्यू की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू है 121 के, तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा प्रिंट अप में जाएगा हमारे पास बॉक्सर इज बेंटम वेट। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना जरूरी होता है अदरवाइज ये भी एरर देगा। इसके बाद हमारी कंडीशन आती है एल्स इफ कि डब्ल्यू की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 122, एंड लॉजिकल एंड अप्लाई करने पे आता है कितना कि W इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 153, तो ये हो जाएगा हमारे पास में बॉक्सर इज मिडिल वेट। एल्स
अगर 100 नहीं, अभी तो एक और ज्यादा है, मिडिल वेट से पहले फेदर वेट आ गया। एल्स इफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 154 के, लॉजिकल एंड लगाया और इससे बोला कि W अगर इज लेस देन इक्वल टू है 189 के, तो ये आ जाएगा मिडिल वेट। बॉक्सर इज MYDDLEWEIGHT मिडिल वेट। एल्स अगर वेट 190 से ज्यादा है तो, 190 या 190 के बराबर है तो क्या आएगा हमारे पास स्प्रिंट अप में, हैवी वेट। एप टू हमने सेव कर दिया, ऑल्ट F9 इसको रन करा के चेक करा तो इसमें एक एरर आ रही है, इसको हम चेक करते हैं। पहले से स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। देखिए एरर दे रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये हमने नहीं लगाया तो इसलिए इसने हमको एरर दे दी है। अभी भी बता रहा है प्रिंट एफ, ओहो इसलिए क्योंकि एल्स के साथ में कंडीशन चेक करने को दे दिया, लेकिन नहीं होना चाहिए, कंडीशन तब चेक होगी जबकि इफ आगे लगा हुआ होगा। तो ऑल्ट F9 कंट्रोल F9 आपने दे दिया इसको 120, इसके अंदर आ गया वेंटम वेट। इसको वापस से रन करा के देख लेते हैं, एरर आ गई है, कहाँ से अटका वापस से, शायद कंपाइलर कुछ मजे ले रहा है हमारी लाइफ के। इसके अंदर स्टेटमेंट भी मिसिंग रह गया ये वाला। F2 सेव कर देते हैं, कंट्रोल F9 इसको दे देते हैं 195, तो आ गया हैवी वेट। तो इस तरह से एक बॉक्सर के क्लास और वेट आइडेंटिफाई हमने करने का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक का फोर्थ चैप्टर दिस मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.G। इसके अंदर हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग इन डिजिटल वर्ड, कलर्स आर स्पेसिफाइड इन रेड ग्रीन ब्लू मीन्स RGB फॉर्मेट, विच वैल्यूज ऑफ RGB वेरिंग ऑन एन इंटीजर स्केल ऑफ 0 to 255, 0 से 255 के बीच में RGB की वैल्यू वेरी करती है। इन प्रिंट पब्लिशिंग द कलर्स आर मेंशन्ड इन सियान मैजेंटा येलो ब्लैक फॉर्मेट विद वैल्यूज ऑफ CMY एंड K वेरिंग ऑन ए रियल स्केल ऑफ 0.0 to 1.0, मतलब ये फ्लोटिंग टाइम की वैल्यूज है। राइट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट RGB कलर टू CMY के कलर एज पर द फॉलोइंग टेबल। तो इस कंडीशन के अंदर हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर। सबसे पहले हमको इनपुट के अंदर लेना होगा RGB को, RGB हमने इनपुट लिया है और हम उसको कन्वर्ट करेंगे CMYK के अंदर। तो उसके लिए चलिए हम प्रोग्राम पहले बना लेते हैं, इनका जो फॉर्मूलेज है वो बाद में अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्ट हेडर फाइल्स हैं जो कि लिखनी ही होती है, वो कंपलसरी है। कीबोर्ड से क्या इनपुट लेना है, कीबोर्ड से क्या डिस्प्ले करना है, वो आपको stdio.h डिफाइन करना है। और कोन्यो डॉट एच हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर GETCH फंक्शन है जो कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने के बाद आउटपुट की जो स्क्रीन होती है उसको होल्ड करके रखते हैं, और जहां पे हमें होल्ड रखने स्क्रीन वहां पे लिखते हैं कैच। तो हमें तीन वैल्यूज लेनी है इंटीजर की, इंट RGB और फ्लोट में लेनी है हमको CMYK। RGB के तो हमको इनपुट लेनी है, हम लेते हैं प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू ऑफ RGB, तीनों की वैल्यू एंटर करके दो। तो स्कैन एफ के अंदर हम लिखेंगे क्या, %D%D%D, तीनों वैल्यूज का हमने यहाँ पे
लिख दिया है, और इसके साथ के अंदर हमने इन तीनों की मेमोरी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो मेमोरी लोकेशन के लिए हम परसेंट को वेरिएबल के साथ लिख देते हैं आर जी बी। अब ये हमारे पास में आर जी बी की वैल्यू आ गई। अब इसको कन्वर्ट करके चेक करना है कि क्या आ रहा है, तो इससे पहले चलिए हम डिस्प्ले में करवा लेते हैं कि हमने जो इनपुट लिया क्या वो सही था। वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू परसेंट डी, उसके बाद में लिख देते हैं बी ए एल यू वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू परसेंट डी वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंट डी, और यहां पे वैल्यू आ जाएंगी आर जी एंड बी। Alt F9 करा हमने, इसको हम कंट्रोल F9 कर देते हैं, और इसके इनपुट के अंदर हम लिखते हैं कितना 23, 45, 67। तो देखिए वैल्यू ऑफ R आ गई 23, वैल्यू ऑफ G आ गई 45, और वैल्यू ऑफ B आ गई है 67। ठीक है, अब हम इनके ऊपर फॉर्मूले अप्लाई करते हैं कि सियान का कलर कैसे आएगा। सियान है हमारा फ्लोटिंग टाइप C, इक्वल टू क्या है व्हाइट माइनस रेड डिवाइडेड बाई दिस, तो इसके अंदर बोल रहा व्हाइट, व्हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो व्हाइट की वैल्यू हम फ्लोटिंग टाइप के अंदर ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डिवीजन वगैरह रखा है तो उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर जरूर आउटपुट के अंदर फ्लोटिंग टाइप वैल्यू ही आएगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं व्हाइट की वैल्यू क्या है। व्हाइट मतलब कि डब्ल्यू, W का मतलब है मैक्स निकालना है, रेड डिवाइडेड बाई 25, ग्रीन डिवाइडेड बाई 25, ब्लू डिवाइडेड बाई 25, मतलब ये 255 से डिवाइड करने के बाद में जो भी चीज आ रही है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए तीनों के तीनों सेम है कि तीनों वैल्यू जो निकल रही है वो 255 से डिवाइड हो रही है, तो हमें सबसे पहले निकालना है मैक्स। देखते हैं अब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि मैक्स फंक्शन नाम का कोई चीज है क्या इसके अंदर, इसको यूज करना भी हम देख लेते हैं। हेल्प में हम गए, इंडेक्स में गए, एम ए एक्स, देखिए मैक्स फंक्शन इसने हमको दिया हुआ है। मैक्स फंक्शन हमें रिटर्न करता है, रिटर्न द लार्जर ऑफ टू वैल्यूज, दो वैल्यूज में से जो मैक्सिमम होगा उसको निकाल देगा। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी है, अगर ए ज्यादा है तो ए को ऑलरेडी असाइन उसके अंदर कर देगा, तो ये हमें निकाल के देगा मैक्स ए बी। ओके, और ये होता भी एस टी डी एल आई बी के अंदर है, तो हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो अवेलेबल है, हम नॉर्मल तरीके से इसको यूज करेंगे कि मैक्सिमम कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इफ कि अगर आर ग्रेटर देन है जी से एंड आर ग्रेटर देन है बी से, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई है R डिवाइडेड बाई 255। ओके, अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो से नहीं, किसी भी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.0 से, तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 255 से करेंगे तो वो ऑलरेडी 255 भी प्रमोट हो जाएगा फ्लोटिंग में, तो आउटपुट हमारे पास वैसा आ जाएगा। अगर ये चीज नहीं है तो एल्स इफ जी इज ग्रेटर देन है बी से एंड जी इज ग्रेटर देन है आर से, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 1.0 डिवाइडेड बाई 255। 1.0 से मल्टीप्लाई यहां पे केवल इसलिए कर रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। अब लास्ट हमारे पास बच गया कि अगर आर भी नहीं है जी भी नहीं है तो मतलब कि सबसे कैपिटल में मैक्सिमम क्या आएगा बी, तो उसको क्या करेंगे बी मल्टीप्लाई 1.0 डिवाइडेड बाई 255। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले निकाल लिया कि कौन सा व्हाइट की जो वैल्यू आ रही है व्हाइट के अंदर क्या चीज जाएगी। अब व्हाइट तो हमारा जा चुका है, अब इसके बाद में हमें चेक करना है क्या कि फंक्शन क्या है उस वेरिएबल का। सियान का मतलब क्या है, सियान मतलब सी है, सी का मतलब है व्हाइट मतलब डब्ल्यू माइनस
रेड डिवाइडेड बाय 255, तो रेड क्या है आर, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी 1.0 से, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्जन करना है, तो इसको कर दिया ये, और डिवाइडेड बाय था ये कितने से 255। अब ये पूरा का पूरा डिवाइडेड किससे है, वाइट से, ये आ गया सियान। अब इसी तरीके से हमारे पास में सारे फॉर्मूले हैं जो कि हम निकाल लेते हैं, कॉपी करते हैं, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, सी हो गया, मैजेंडा हो गया, येलो हो गया, अब हमें चाहिए केवल ब्लैक, ब्लैक के लिए भी हम कॉपी कर देते हैं इसको, ब्लैक इक्वल टू तो 1-white है, सी एम वाई के। आई थिंक फॉर्मूला नीचे गलत रख रखा है हमने, ब्लैक इक्वल टू 1-white इसकी जगह पे ये होना चाहिए था सी एम वाई के, के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर नहीं दे रखा है, तो हम कर देते हैं के की वैल्यू क्या आने वाली है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, वो होगा 1-W, ये तो हो गया के। अब सी की वैल्यू क्या है, वाइट माइनस आर से हो रखा है, ये हमारा ग्रीन से होगा और ये हमारा ब्लू से होगा, तो इस तरीके से इन सब की वैल्यूज निकल गई और हमें इनको आउटपुट में देना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, एम की वैल्यू क्या आएगी, तो आउटपुट में क्या करते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इसमें फ्लोटिंग टाइप है तो इसका फॉर्मेट टाइप क्या है सी, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एम, ये भी तो यहां पे आ गया एम, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू परसेंट एफ, और यहां पे आ गया y, लास्ट में इसका टर्मिनेटर लगाना भूल गए हम, तो बाद में अगर देगा तो इसको अभी से कर देते हैं, ये आया हमारे पास में प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू परसेंट एफ, और यहां पर आ गया a। अब इसको हम डीबग करा के चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा है, कंट्रोल एफ नाइन, देखिए इसके अंदर इतना सारा कुछ आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कि इसके अंदर हमने जरूर सी एल आर एस आर नहीं लगाया होगा, बिल्कुल नहीं लगा है, इसको क्लियर स्क्रीन हम यहां से कर देते हैं। अब इसको हम कंट्रोल एफ नाइन करते हैं, पहली आठ जीबी की वैल्यू क्या कह रहा है हमको, पहले हम वैल्यू करते हैं 250 120 110, तो वैल्यू ऑफ आर हमने दी है 250, बी की जी की वैल्यू 120 और बी की वैल्यू भी 110, उसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू आ गई 0, एम की वैल्यू आ गई 0.52, वैल्यू ऑफ वाई आ गई 0.56 और के की वैल्यू आई 0.019608। तो इस तरीके से हमने आर जी बी को सी एम वाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके थैंक यू, प्रोग्राम हमको सेव कर देते हैं सी एम वाई के अंदर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर्स सी बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.H। इसके अंदर हमसे बोला गया राइट ए प्रोग्राम दैट रिसीव मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट एंड प्रिंट द करोस्पॉन्डिंग जोडियक साइन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। जोडियक साइन हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ, कि ये इन्होंने रेंज दे रखी है, अगर इससे इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है तो उसके अंदर ये आउटपुट आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या क्या यूज होगा,
रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे, उसके बाद में हम इसका डिस्प्ले देंगे। तो हमें सबसे पहले इनपुट के अंदर लेना है डेट ऑफ बर्थ, रिसीव द मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ। ईयर से हमें मतलब नहीं है, मंथ लेंगे और डेट लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर सीख के में न्यू, इसको पहले सेव कर देते हैं जोडियक डॉट सी के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं, हम सबको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से उतनी ही है कि कीबोर्ड से क्या इनपुट लेना है, आउटपुट में क्या दिखाना है, वो सब कुछ डिसाइड यही करता है। सेकंड हेडर फाइल है कोनियो डॉट एच, ये हम इनपुट में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें जो भी डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले कराने के बाद स्क्रीन को होल्ड रखना है, उस होल्ड को रखने के लिए एक फंक्शन होता है GETCH, इसको वहां लिखा जाता है जहां पे स्क्रीन को होल्ड रखना है, तो ये पाया जाता है कोनियो डॉट एच के अंदर। इंट मंथ और डेट, मंथ और डेट की वैल्यू हम इनपुट के अंदर ले लेंगे। तो उसके बाद में क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ताकि अगर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी पहले का लिखा हुआ हो या रिटर्न हो तो वो एकदम क्लियर हो जाए। प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू ऑफ मंथ, डबल कोट्स के अंदर लिखना था तो डबल कोट्स आ गया, SENF। क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होगा स्पेसिफायर कि किस तरह का डेटा हम इनपुट में लेना है, उसके बाद में एम परसेंट के साथ में बताना पड़ेगा किस वेरिएबल की वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे हैं। एम परसेंट क्या बताता है कि किसी भी वेरिएबल की मेमोरी के अंदर लोकेशन क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, मेमोरी एड्रेस से ही हम उसकी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। स्लैश एन स्टेट, हाँ स्लैश एन हम क्यों यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, सीक्वेंस टर्मिनेटर बोलते हैं उसको, परसेंट डी और यहां पर क्या आ गया एम परसेंट के साथ में डेट। तो देखिए हमने डेट और मंथ तो इनपुट के अंदर ले लिया है, अब हमें क्या चाहिए कि हमें चेक करना है कि जो साइन है वो कौन सा है। तो हम देखिए इफ अभी तक इन चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं स्विच केस के थ्रू भी, लेकिन इफ एल्स के थ्रू मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, तो ताकि हमारा कोड छोटा से छोटा हो। तो सबसे पहला साइन है इफ दिसंबर 22 से जनवरी 19, तो देखिए अगर मंथ इक्वल टू है 12 एंड डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 22, तो क्या होगा ये कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा अगर मंथ है जनवरी एंड डेट है 19, देखिए 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच की बता रहा है ये, तो 22 जनवरी से 19, अब हम तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर का भी आ गया और 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक का भी आ गया। तो हमने चाहिए कंडीशन लिख दी कि मंथ 12 होना चाहिए और डेट होनी चाहिए 22 से ज्यादा होनी चाहिए, इसके साथ में क्या होनी चाहिए एंड डेट इज लेस देन इक्वल टू 31, तो ये पहली कंडीशन हो गई। या फिर या तो ये होगा या फिर क्या होगा, यहाँ पे लॉजिकल और आ जाएगा, ये होगा मंथ अगर जनवरी है तो डेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए एंड डेट की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 19 होना चाहिए, तो ये कौन सा होगा कैप्रिकॉर्न। इस तरीके से लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज करके हम पूरा प्रोग्राम राइट करेंगे। ओके, ऑल्ट F9 हमने करा, एक एरर आ गई है,
रही है एक्सप्रेशन सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ मैथ ये आ गया है, अच्छा ओके। यहाँ पे हमने लॉजिकल और लगाया है, लेकिन लॉजिकल और एक स्टेटमेंट के अंदर लग सकता है, इफ के ब्लॉक के अंदर। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले तो चेक करेगा या तो ये वाली वैल्यू ठीक है या फिर ये वाली वैल्यू ठीक है, तो ये हमको आउटपुट के अंदर दे देगा। अब अगर कैप्रिकॉन नहीं है तो क्या करेंगे, सेकंड में चलते हैं, एल्स इफ, ठीक है। ये दो चीज आएगी, इन दोनों के बीच में हम लॉजिकल और अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहली क्या आ रही है, अगर मंथ की वैल्यू 1 है एंड डेट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है एंड डेट की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 29 लिख देते हैं हम, तो ये कोई जो लीप ईयर से मतलब हमें अभी यहाँ पे नहीं है, ये लीप ईयर की कैलकुलेशन एक अलग मसला था। तो ये हो जाएगा दूसरा एक्वेरियस। अब दूसरा है कि मंथ अगर सेकंड है तो मंथ इक्वल टू 2 है एंड डेट जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड डेट जो इज लेस देन इक्वल टू 17 है, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, एक्वेरियस। ठीक है, ओल्ड अपेंड करा स्टेटमेंट के अंदर, अभी भी कुछ एरर रह गई है, स्टेटमेंट इज मिसिंग, कौन सा स्टेटमेंट मिसिंग है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये यहाँ पर ये आ जाएगा, उसे हमने इसको सेव कर दिया। इस तरीके से दोस्तों हम सारी सारी कंडीशन लगाएंगे और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता चला जाएगा। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी करने के लिए, अब इसी स्टेटमेंट को बार बार के रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी तो वापस से कर लेंगे। हाँ, एक्वेरियस के बाद में क्या था, ये हमारा डिस्कस, इसके अंदर क्या था, मंथ की वैल्यू अगर सेकंड है, देखिए मंथ की वैल्यू अगर सेकंड है और डेट की वैल्यू 18 से ज्यादा है एंड डेट की वैल्यू 29 से कम है, तो ये चलेगा कितना, एक सेकंड, ऊपर मंथ 20 जनवरी से ये 31 जनवरी होना चाहिए था। देखिए गलती कर दी थी ना हमने, कॉपी पेस्ट करने का ये फायदा होता है। कि अगर डेट 20 से ज्यादा है और 19 अप्रैल से सेकंड, हमारा 18 फरवरी से 19 मार्च, 18 फरवरी से 19 मार्च, ये इससे कम होना चाहिए। ये चला गया मंथ हमारा मार्च का, मार्च एक डेट एक से और ये 19 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्कस। PISCES, इसके बाद में हमारे पास में एरीज, एरीज का क्या है, मंथ है थर्ड और डेट होनी चाहिए 20 से ज्यादा और डेट होनी चाहिए 31 से कम, मार्च तो होता है 30 का, 31 का, उसके बाद में ये मंथ आ जाता है अप्रैल और अप्रैल की वैल्यू 19 तक होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा एरीज। एरीज के बाद में आ जाता है हमारे पास में तो ये वैल्यू हो गई अप्रैल, अगर 20 से ज्यादा है और ये वैल्यू हो जाएगी 30, ये मई, मई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 से लेके 20 तक की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको लिखते जा रहे हैं। अब यहां पे आ गया मई की वैल्यू आ गई 20, 5 5 डेट होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और डेट मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 दिन का होता है, तो ये 31 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है जून, जून की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20 जून तक की,
फिर इसके बाद में ये ऊपर वाला क्या था, उसके बाद में आया था जेमिनी 21 मई से। जेमिनी के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास में कैंसर। कैंसर की वैल्यू क्या है, जून 21 कैंसिल नहीं है, कैंसर है। 21 जून से लेकर के और 31 जून, 30 जून, उसके बाद में आया था जुलाई। जुलाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 22 से कम होनी चाहिए, तो ये हो जाता है कैंसर। कैंसर के बाद में आता है हमारा लियो। लियो जुलाई 7, 23 से ज्यादा होनी चाहिए, 31 से कम होनी चाहिए। जुलाई के बाद ये आ गया मंथ अगस्त, 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 22 से कम होनी चाहिए, तो ये हो गया लियो। लियो के बाद में आता है वर्गो। वर्गो के अंदर क्या बोल रहा है, अगस्त का महीना है, किससे बड़ा होना चाहिए, 23 से, और 31 से कम होना चाहिए। अगस्त के बाद में आता है सितंबर, 1 से ज्यादा होना चाहिए और 22 से कम होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं, लॉजिकल एंड का यूज कर रहे हैं, लॉजिकल और का भी यूज कर रहे हैं। वर्गो के बाद में हमारे पास में आ गया लिब्रा। लिब्रा की कंडीशन क्या है कि ये सितंबर का तो महीना होना चाहिए, 23 से ऊपर होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। उसके बाद में चला गया अक्टूबर, 1 से ऊपर और 22 से नीचे, उसके बाद में चला जाता है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियो ये चला गया है 10th मंथ से, ग्रेटर देन होना चाहिए 23rd से, और ये भी होता है 31 डेज का। उसके बाद में आ जाएगा नवंबर, नवंबर ग्रेट 1 से ज्यादा होनी चाहिए और ये होना चाहिए 21 तक। स्कॉर्पियो के बाद में लास्ट आ जाता है, एक और बची है, ये मंथ तो होगा 11, इक्कीस से ज्यादा होनी चाहिए, ये 30 से कम होनी चाहिए, ये 22 दिसंबर है, 22 नवंबर से ऊपर है, लास्ट मंथ चला जाएगा दिसंबर, 1 से ज्यादा होना चाहिए और 21 दिसंबर से कम होना चाहिए। ऑल्ट F9 हो गया है, इसको अपन बड़े स्क्रीन में कर लेते हैं। देखिए सारा का सारा प्रोग्राम ने लिख दिया है, इसके अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, इन सब का यूज करा हुआ है। STDIO पोनियो सब सेम है, सब कुछ का यूज करके देख लेते हैं। मंथ हम डाल देते हैं, मान लीजिए ओहो Ctrl F9 हम डाल रहे हैं इसके अंदर 19 मार्च,
19 मार्च, तो ये आ गई ये वाली आपका जो भी है राशि चक्र आ गया भाई। तो इस तरीके से हम पूरे प्रोग्राम को हमने लिख दिया है, रन करा दिया है, सेव करा दिया है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.I। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है एक प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्राम क्या है, BMI कैलकुलेट करने के लिए। द बॉडी मास इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए पर्सन इन किलोग्राम टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर। मतलब कि जो BMI इंडेक्स है वो कैलकुलेट होता है किलोग्राम और मीटर के अकॉर्डिंग, और किलोग्राम के अंदर जब डिवाइड करते हैं मीटर का जो उसकी हाइट है उसको मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं उसके स्क्वायर का डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू निकलती है वो उसका BMI होगा। तो हमें इसको BMI का ये टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू काउंट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टर्बो सी के अंदर, प्रोग्राम राइट करने की कोशिश करते हैं। एस इंक्लूड STDIO.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, conio.h जनरली हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो GETCH के थ्रू फाइल को मतलब स्क्रीन को हमारी को होल्ड करके रखे। देखिए हम इसके अंदर लेते हैं कि वेट तो ले लेते हैं इंटीजर, और मीटर के अंदर हमें हाइट लेनी है, तो ये 99% चांसेस हैं कि फ्लोटिंग टाइप वैल्यू ही आपकी आएगी, इसलिए हम उसको ले लें। क्योंकि जब भी मीटर की बात करें तो बहुत ही रेयर होगा कि आपकी हाइट बिल्कुल ऐसे हो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, क्योंकि हाइट का क्या आएगा 0.5 मीटर आएगी, 1.2 मीटर, 1.5, 2.1 इस तरीके से, इसलिए हमने उसको फ्लोटिंग टाइप भी लिया है। तो अब चलिए हम उसको ले लेते हैं। इससे पहले हमारा जो रेगुलर रूटीन है उसमें छोड़ दिया है CLR SCR का यूज क्यों करते हैं, हमारी स्क्रीन पर जो भी आउटपुट होगा उसको क्लीन करने के लिए। तो लिखते हैं एंटर हाइट, स्कैन ऐप से हम करते हैं स्कैन। स्कैन यूज क्यों होता है, कीबोर्ड के थ्रू जो भी पैरामीटर जो भी इनपुट लेना है वो इसी के थ्रू होता है। तो इसका सिंटेक्स होता है पहले तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, उसके बाद वेरिएबल के आगे लगा देते हैं हम M% की वैल्यू। मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि M% ऑपरेंड जब लिखते हैं वेरिएबल लिखते हैं तो ऑपरेंड हमें बताता है, M% बताता है कि जो वेरिएबल है आपका उसकी लोकेशन क्या है मेमोरी के अंदर। स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर वेट, ओके वेट तो हमने लिखा था इंटीजर के अंदर और ये रखा था फ्लोटिंग टाइप, तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का फॉर्मेट इसे क्या होता है %F। ये जनरल मिस्टेक्स होती हैं जो कि होती रहती है तो उनको ध्यान रखे करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कंपाइलर बाद में हमारे कुछ ना कुछ आउटपुट के अंदर गड़बड़ करके बता देगा कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ गलत करा हुआ है। ये हो गया वेट। अब हम कैलकुलेट करते हैं BMI इंडेक्स। तो BMI इंडेक्स क्या होगा, ये भी होगा फ्लोटिंग टाइप ही होगा, तो BMI कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वेट को डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ हाइट से। स्क्वायर ऑफ हाइट क्या करेंगे, मीटर के अंदर जो है या तो पावर हाइट 2 लगाएंगे या फिर इसका सिंपल भी हम कर सकते हैं हाइट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये दो तरीके हैं, हाइट मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और अगर इसको हम फॉर्मूले के थ्रू जैसे स्क्वायर के थ्रू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एस इंक्लूड math.h ये हेडर फाइल है जिसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शन लिखे हुए हैं उनका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पावर हाइट 2, ये हमारा BMI इंडेक्स आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट शो कर देंगे क्या हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले कि BMI कैलकुलेटर के लिए ये क्या है, कैटेगरी कौन सी बिलोंग करती है। इफ BMI इज लेस देन 50 तो क्या आएगा हमारे पास में, प्रिंट एप STARVATION, इसके अंदर आप डिटेल में भी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, हम केवल बना रहे हैं तो हम नॉर्मल तरीके से हम लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर होगा तो ये बाकी की जो कैटेगरीज हैं वो इन्होंने बनाई हुई है, इनको हम यूज कर लेते हैं। कॉपी करा हमने, कितनी कैटेगरी है उतनी बार ही हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। शिफ्ट इंसर्ट
इसके अंदर क्या लिखा हुआ, एल्स इफ अगर 15.1 से ज्यादा है, 15.1 से ज्यादा है, लॉजिकल एंड लगाएंगे, और बी एम आई इज लेस देन इक्वल टू है 17.5 के, तो ये कैटेगरी हो जाएगी आपकी एनोरेक्स। इसके बाद एल शेप बी एम आई की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 17.6 के, लॉजिकल एंड लगाएंगे कि बी एम आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 24.9 के, तो प्रिंटअप में हमारे पास में क्या जाएगा, अंडरवेट। इसके बाद में हमारे पास में क्या जा रहा है, BMI की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 18.6 से, लॉजिकल एंड लगाए। लॉजिकल एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तो ही हमारा काम करेगा, 24.9। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, कैटेगरी कौन सी में चला जाएगा बंदा, आइडियल के अंदर। एल्स BMI की वैल्यू अगर 25 से ज्यादा है, इक्वल देन ग्रेटर देन है, तो लॉजिकल एंड लगाया, 25 से 25.9 है तो क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू 25.9, तो ये क्या चला जाएगा, ओबेस के अंदर, ओवरवेट में। एल्स बीएमआई की वैल्यू अगर 30 से ज्यादा है एंड बीएमआई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू है 30.9, तो ये वैल्यू क्या चली जाएगी, ओबेस। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो क्या चला जाएगा हमारे पास में, ये तो की खतरनाक चीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, हमने सिंपली लिख दिया है, ठीक है, जो कंडीशन थी उनके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ गया। इस कंडीशन को हम चेक कर लेंगे जो आउटपुट के थ्रू चेक करके, तो सबसे पहले ऑल्ट F9 का यूज करा, दो एरर हमसे कुछ मिस हो गया है, इंक्लूड ये गड़बड़ है, इंक्लूड मैथ डॉट एच, इसके बाद में क्या एरर है, कुछ नहीं है, ठीक है। पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं bmi.c, अब इसको रन कराते हैं। हाइट मांग रहा है 1.4 मान दीजिए और वेट दे दिया हमने 60, तो कैटेगरी क्या आ गई, ओबेस, जो इस कैटेगरी के अंदर फॉलो कर रहा होगा तो ये चीज आ गई। तो हम इसको देखिए, अब जो आउटपुट हमने लिखा है इसको और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यह हम लिखेंगे क्या, BMI इज परसेंट F, सो द कैटेगरी इज दिस, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सभी स्टेटमेंट के अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो हमारा आउटपुट क्या है, थोड़ा समझ में आने लगा है किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो हम उसको मैच करा लेंगे अपने प्रोग्राम से और कंडीशंस के साथ में, कि जो वैल्यू दी थी वो सही थी कि नहीं थी। लेकिन यहां हमने परसेंट एफ लिख दिया, अभी भी डिस्प्ले के अंदर उसकी वैल्यू नहीं आएगी जब तक कि हम यहाँ पे BMI के
पास नहीं करेंगे। ओके, अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं, सब जगह पे पेस्ट कर देंगे। देखिए कॉपी पेस्ट प्रोग्रामिंग जब भी आप करेंगे तो ये तो आपका रूटीन प्रोसेस होगा कि आपको कॉपी पेस्ट तो कोड करना ही पड़ेगा। कॉपी पेस्ट ना करना पड़े इसलिए काफी सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब काफी एडवांस चीजें होती है। फंक्शन मैंने जल्दी बोल दिया, आपको अभी बताया नहीं है तो आप सोचेंगे ये क्या चीज है। काफी सारी एडवांस चीजें होती है जिनका कि हम फ्यूचर में यूज करेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते पहुंचेंगे वहां तक, तो आपको पता लगेगा कि प्रोग्रामिंग को जो अभी हम इतने मल्टीपल लाइंस लिख रहे हैं, एक ही चीज को बार बार लिखते हैं, तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं। और टैब 9 करा, टैब 2 कर दिया, कंट्रोल एफ 9 करा, हम पेड़ देते हैं 1 पॉइंट, हाइट दे दी इतनी और ये दे दिया हमने 56। देखिए BMI इज, ये BMI इंडेक्स ही आ गई, सो द कैटेगरी इज आइडियल। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने यूज करा है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करे हैं, लॉजिकल एंड का यूज करा है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करा है और इफ एल्स का यूज करा है, मतलब डिसीजन मेकिंग जो स्टेटमेंट आते हैं इफ एल्स उनका यूज करा है। कॉम्प्लेक्स एलिमिनेशन करने के लिए लॉजिकल एंड का यूज करा है और रिलेशनल ऑपरेटर्स का डिसीजन क्लियर करने के लिए करा है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक का 4th चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन E.A। इसके अंदर हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यूज कंडीशनल ऑपरेटर डिटरमाइन, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर हमें यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, और वो होता क्या है क्वेश्चन मार्क और कॉलन जिसका यूज करके करते हैं। वेदर द कैरेक्टर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज लोअर केस अल्फाबेट और नोट, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना है और हमें ये बताना है कि क्या ये लोअर केस अल्फाबेट है या फिर ये स्पेशल सिंबल है। तो उसके लिए हमें ASCII की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ASCII कोड क्या होता है, क्यों, क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर चेक करके देखा है कि जब भी कोई हम डेटा एंटर करते हैं कैरेक्टर टाइप का, तो उसकी ASCII जब भी उसके ऊपर कैरेक्टर टाइप के डेटा का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमेशा उसकी ASCII वैल्यू के ऊपर जाता है कि वो क्या वैल्यू आ रही है। तो ASCII वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कैरेक्टर है कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम है हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर है, फर्स्ट टाइम हम यूज करेंगे, तो हम कंडीशन पहले लिख लेंगे, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, gtcs फॉर होल्डिंग द स्क्रीन, ये होता है conio.header फाइल के अंदर। अब देखिए हमें इनपुट में लेना कैरेक्टर c, ये हमने कैरेक्टर ले लिया, इसी को हमें बताना है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा स्पेशल सी है, स्पेशल सिंबल है कि लोअर केस लेटर है। सबसे पहले फाइल सेव कर देते हैं, ch कैरेक्टर लोअर है कि स्पेशल सिंबल है, ये हमें टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू यूज करना है, ये हमने इसको सेव कर दिया। प्रिंट एफ प्रेस एनी की ऑन कीबोर्ड, कोई भी प्रेस करो, ये हमने बोल दिया। अब जो भी हमने प्रेस करा है उसको यूज कैसे कर रहे हैं, परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर का, इसलिए यहाँ पे लिखा है, और एम परसेंट सी इसलिए लिखा है क्योंकि सी वेरिएबल की हमें वैल्यू लेनी है, और एम परसेंट इसलिए लगाया है क्योंकि सी की वैल्यू मेमोरी लोकेशन में कहाँ पे स्टोर है उस लोकेशन का पता एम परसेंट के थ्रू पता लगेगा, इसलिए एम परसेंट सी लगाना बहुत जरूरी है। विदाउट इसके हमें वेरिएबल की क्या वैल्यू पता नहीं चलेगा कि उसकी मेमोरी कहाँ है, जब तक मेमोरी लोकेशन पता नहीं चलेगा तो उसमें वैल्यू का स्टोर कैसे पता लगेगी। ओके, अब हमें चेक करना है कि सी के थ्रू जो वैल्यू आई है वो क्या है क्या नहीं है। तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर क्या यूज होता है ये देख लेते हैं, पहले टर्नरी ऑपरेटर कोई बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्या होता है, ये इसको यूज कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन चेक, एक्सप्रेशन चेक मतलब कंडीशन चेक यहां पे होती है, अगर ट्रू है तो आउटपुट एक्सप्रेशन वन, अदरवाइज आउटपुट एक्सप्रेशन टू। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या यूज करना है कि जो एंटर कीवर्ड है वो है क्या। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है,
देखिए हम चेक कर लेते हैं सिंपल सा स्टेटमेंट के थ्रू ही। सी सी की वैल्यू, अब इसके लिए चलिए हमको आस्की की जो टेबल वो देखनी पड़ेगी। अगर लोअर केस के लिए जाना है तो 97 और 122 के बीच होना चाहिए। अगर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वैल्यू 122 से भी लेस देन है। पहला एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा, उसके बाद में एक्सप्रेशन ये आएगा कि अगर ये नहीं है तो मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं होगा। देखिए अब इसके अंदर ये चेक करते हैं 97 से अगर ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे हमें चेक करना दूसरे कंडीशन की, सी की वैल्यू 122 से लेस देन भी होनी चाहिए कि सी इज लेस देन इक्वल टू 122। ये दूसरा क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर देखिए पहला हमने चेक करा है यहाँ पे कि सी इज ग्रेटर देन 97, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारा ये वाला इवेलुएट होगा। अगर नहीं है तो मतलब कि 97 से तो बड़ी है नहीं, 97 से छोटी है, तो हमें यूज करना पड़ेगा स्पेशल सिंबल के लिए। तो यहां पर तो हम सीधा सिंपल इसको लिख देंगे प्रिंट टैप के अंदर एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस, ये हमारा स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सही है कि वो 97 से बड़ा है तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा ना 122 से छोटा है। तो यहां पे अगर 122 से छोटा है तो फिर यहां पे हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा प्रिंट एफ, यहां क्या आ जाएगा प्रिंट एफ एंटर्ड कैरेक्टर इज लोअर केस। अगर नहीं है तो क्या आएगा प्रिंट एफ एंटर्ड केस इज नॉट लोअर केस। अब आप ये बोल सकते हैं सर प्रिंट एफ के बाद के अंदर तो सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, अगर आपने प्रिंट एफ के बाद में सेमी कॉलन लगा दिया तो बाकी का जो स्टेटमेंट है वो तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि सेमी कॉलन का मतलब तो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया कि वहां पे तो पूरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट तो अब कम्प्लीट हुआ है कि पूरा टर्नरी ऑपरेटर तो अब अप्लाई हुआ है। अगर ये तो है कि हमने यूज करा हुआ है किसके लिए लोअर केस है कि नहीं है, अब दूसरे के अंदर हमें क्या चेक करना है कि ये पहले तो चलो इसी को चेक कर लेते हैं हम F2 के थ्रू, उसके बाद में हम चेक करेंगे स्पेशल सिंबल है कि नहीं। ऑल्ट F9 चेक करते हैं, कोई वो नहीं है एरर, कंट्रोल F9। देखिए ये क्यों आया, क्योंकि हमने CLRSCR नहीं लगाया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो प्रोग्राम में जाके CLRSCR लगा देते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है इसको हम रन करा देते हैं। अब मैं इनपुट में एंट्री कर रहा हूँ स्मॉल ए, तो उसने क्या बोला एंटर कैरेक्टर इज लोअर केस। अब इसी को मैं वापस से रन कराता हूँ और अब एंटर करता हूँ कैपिटल ए, तो क्या बोला एंटर कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस, तो मतलब लोअर केस वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। अब सेकंड के अंदर जाते हैं कि उसके लिए तो अब हमें चेक करने वाली टेबल और स्पेशल सिंबल के लिए तो टेबल बहुत बड़ी है। टेबल के अंदर क्या क्या है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4 कंडीशंस हैं। तो अब इसका यूज करने के लिए लेके चलते हैं, इसके अंदर हम इफ एल्स का यूज भी कर लेते हैं। अगर इसका टर्नरी इसी यूज का करेंगे स्पेशल सिंबल के लिए, कंडीशनल का है तो बहुत सारी कंडीशन के अंदर कंडीशन चलते चली जाएंगी जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। तो हम क्या करेंगे, इफ सी की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लॉजिकल एंड लगाया, सी इज लेस देन इक्वल टू 47 है, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें प्रोग्राम के अंदर बोला गया सीधा सिंपल क्लियर कट कि हमें यूज करना है ओनली टर्नरी ऑपरेटर, तो ये कंफ्यूजन होगा तो होगा, लेकिन हमें प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट उसी के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है चलिए तो हम करते हुए चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या ये 47 से नीचे है,
47। तो क्या चला जाएगा हमारे पास में प्रिंटएफ के अंदर, लोअर केस। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाएगी, अदरवाइज प्रिंटएफ नहीं लिखेंगे। अभी इसके अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि हो सकता है जीरो और 47 के अलावा जो कैटेगरी है उनको फिलफिल करता हो। तो यहां पे देखिए, नहीं यहाँ तो ठीक है क्योंकि 47 से तो कम होना ही चाहिए उसको, इस पर तो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम प्रिंट कर देते हैं नॉट लोअर केस। अब अगर सी से बड़ा नहीं है, सी से बड़ा है, सी से बड़ा नहीं है तो मतलब सी की वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं है तो बिल्कुल सही, यहां पर क्या कर देंगे प्रिंट के अंदर हम नोट लोअर केस, और ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेट हमने कर दिया। चलिए इसको रन करा करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम जीरो से 47 के बीच का चेक करा अभी तक हमने, हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं 33 और लोअर केस नहीं है तो स्पेशल सिंबल की बात थी, हमने गलत एंटर कर दिया, नॉट सिंबल। नॉट सिंबल ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। सिंबल के लिए मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे प्लस का, एंटर कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस सिंबल, लोअर केस कहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा वो पहले चेक करेगा उसको, उसके बाद में जा रहा। तो यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, मतलब सीक्वेंस पे लगा देता हूँ स्लैश एन, तो ये नए लाइन पे आ जाएगा। ये पहले तो चेक कर रहा है कि वो लोअर केस है कि नहीं है, उसके बाद में चेक करेगा कि ये स्पेशल सिंबल है कि नहीं है। अगर मैंने यहां पे लिख दिया प्लस तो क्या एंटर कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस, ये एक सिंबल है ठीक है। कंट्रोल एफ नाइन करा, अगर मैंने कैपिटल ए डाला तो क्या कह रहे हैं, एंटर कैरेक्टर इज नॉट लोअर केस और नॉट सिंबल, क्योंकि उसकी जो रेंज थी डिफाइंड उसके अंदर नहीं आ रहा है वो ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा C इक्वल टू 47 वाला। अब हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं 58 टू 47 से कम नहीं है, 47 से कम है तो ये चला जाएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पे थी हमारी, कि दूसरी कंडीशन में हमारे पास है 47 से ग्रेटर देन है, तो अब देखिए यहाँ पे नोट सिंबल हमने जो बोला था इसको अब हम हटाते हैं। और इसको यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको तो मैं सिंपल ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, सी की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, कि 47 से तो कम नहीं है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 58 से है, हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक हो जाएगी, वो नहीं है तो यहाँ पे चला जाएगा प्रिंट एफ नॉट सिंबल, भाई 58 से बड़ा नहीं है, 58 से बड़ा नहीं है तो ये 58 से तो बड़ा हमने चेक कर लिया, लेकिन इसके बाद में ये भी चेक करना है कि 58 ये 64 से छोटा भी है कि नहीं है। अगर है तो हमने दे दिया यहाँ पे प्रिंट एफ सिंबल नॉट सिंबल, और ये प्रोग्राम हमारे यहां से लेके, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारे यहां से लेके और यहाँ पे खत्म हो गया। ये वाला इसको अब हम F9 करते हैं, अब इसको कंट्रोल F9 करते हैं,
कोई भी हमने मान लीजिए कि ये वाला दबा दिया है, नोट सिंबल एंटर केस इज नोट लोअर केस एंड नोट सिंबल, जबकि ये तो सिंबल है, तो इसको हम हो सकता है कि 91 से 96 के बीच की कैटेगरी वाला हो या 123 से 127 वाली कैटेगरी हो, तो इसके लिए अब हम इसको आगे चलते हैं। देखिए अब इस प्रोग्राम के अंदर हमें क्या दूसरी कैटेगरी क्या चेक करनी है, 91 से 96। हम सबसे पहले चेक कर चुके हैं यहाँ पे जीरो वाला, जीरो से 47 कि 47 से लेस देन होना चाहिए, 47 से लेस देन नहीं है तो 58 होना चाहिए, 58 से 64 पे चला गया कि वो 64 से कम नहीं है, 64 से बड़ा है, तो अब हम 64 से बड़े वाले पे आ जाएंगे, तो 64 से बड़े वाली कंडीशन है ये वाली, ठीक है। इस कंडीशन पे हम पूरा का पूरा चलते हैं कि यदि C की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 91 तो क्या होगा, 91 से बड़ी है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 96 से छोटी है, तो ये दूसरी कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि C इज लेस देन इक्वल टू 96, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट एफ में चला जाएगा हमारे पास में सिंबल, अदरवाइज प्रिंट एफ में चला जाएगा हमारे पास नॉट सिंबल। तो देखिए ये वाला प्रोग्राम है जो कंडीशनल ऑपरेटर का कितना अच्छा यूज बता रहा है कि इवन विदाउट इफ एल्स के हम सारा सारा काम कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। अब ये चला गया है, अब ये प्रोग्राम यहाँ पे जब खत्म होता है तो इसके बाद में दूसरी कंडीशन ये आ जाती है हमारे पास में अब कि 91 वाली कैटेगरी छोड़ के भी चला गया है, तो 91 वाली कैटेगरी छोड़ के जाने के बाद में हमारे पास में आ जाता है ये क्या कि क्या सी 91 से तो बड़ा नहीं है, तो ये हम प्रिंट में दे देते हैं। नोट सिंबल ओके, अब इसको हम रन कराते हैं, पिछली बार हमने जो एंटर करा था वही इस वजह से हम यूज करेंगे, अभी भी आ रहा है नोट सिंबल। अब केवल एक कैटेगरी बची है 123 से 127, अगर उसके अंदर इसको सिंबल बता दिया तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, अदरवाइज हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ये हमने चेक करा कि ये सी इज लेस देन इक्वल टू 97 यहाँ पे इस लाइन के अंदर कि सी इज लेस देन इक्वल टू 97, अगर ये ट्रू है तो फिर ये इसे इस सिंबल के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज ये नॉट सिंबल चला गया। तो ये जो लाइन है इसको हमें चेक करना पड़ेगा वापस से कि अब ये हमारे पास में एक पैरामीटर रह गया कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 123 है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो ये प्रिंट एफ के अंदर चला जाएगा कि नोट सिंबल, भाई ये अब कंफर्म हो गया ये नोट सिंबल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले 123 से बड़ा है, लेकिन अब यहां पे हमें चेक करना है कि 123 से लेस देन है, सी इज लेस देन इक्वल टू 127, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट एफ में चला जाएगा क्या सिंबल, अदरवाइज प्रिंट एफ में क्या चला जाएगा हमारे पास नॉट सिंबल, ठीक है। अब इसको हम ये हमें चेक करा, वार्निंग एक दे दी है, कॉन्स्टेंट रेंज की आउट ऑफ रेंज चली गई है, सी इज लेस देन इक्वल टू 127 कैरेक्टर की दिस कंट्रोल एफ कर दिया हमने, ये हमने इसको एंटर कर दिया। देखिए इस बार इसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये बिल्कुल हमारा सिंबल है, ठीक है, तो मतलब कि प्रोग्राम हमारा सही है। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, अभी हमने इतना सारा कुछ बड़ा कुछ लिखा है, अब इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली बता देंगे क्या ये कैरेक्टर है लोअर केस है कि स्पेशल सिंबल है। चलिए अब इसको हम कैसे चेक करते हैं शॉर्ट के अंदर, सबसे पहले देखिए सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में क्या होगी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97, लॉजिकल एंड हमने लगाया यहाँ पे C इज लेस देन इक्वल टू 122, तो
अगर ये ट्रू है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ के अंदर ये हो जाएगा हमारे पास लोअर केस, ठीक है। अदरवाइज अब हम इसको चेक करेंगे सिंबल के तौर पे। ये मान लेंगे चेक फॉर सिंबल, ठीक है, और ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पूरा का पूरा वन बाय वन करेंगे। देखिए ये मैंने कमेंट कर दिया, इसको F2 मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 से मैंने डीबग करा, कंट्रोल F9 मैंने करा, ये वाला कैरेक्टर डाला, ये बोला चेक फॉर सिंबल, ये सिंबल के लिए चेक करो लोअर केस तो नहीं है। अब हम चले जाते हैं नीचे, ये जब हमारे पास में आ गया तो अब हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जीरो से बड़ा है और 47 से छोटा है, ठीक है। यहां पे पहली कंडीशन क्या है कि C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है, नहीं जीरो, लॉजिकल एंड लगाया हमने, C इज लेस देन इक्वल टू 47 है, तो ये प्रिंट अप के अंदर चला गया, स्पेशल सिंबल है। अगर ये नहीं है तो हम क्या चेक करना दूसरे के लिए कि क्या ये 58 से 64 की रेंज वाला है, तो हमने यहां वापस से ब्रैकेट लगा दिया है कि क्या C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 58 है एंड C इज लेस देन इक्वल टू 64 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा सिंबल। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉट सिंबल, नॉट सिंबल चला गया। तो यहाँ पे हम दूसरी कैटेगरी चेक कर लेते हैं कि 58 से 64 वाली कैटेगरी चली गई है, अब हमारे पास में दूसरी कैटेगरी आ गई कौन सी, 91 से 96, क्या C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 91 है, लॉजिकल एंड लगाया, C इज लेस देन इक्वल टू 96 है, तो हमारे पास में क्या चला जाएगा आउटपुट के अंदर, प्रिंट एफ, ये चला जाएगा सिंबल, अदरवाइज ये चला जाएगा हमारे पास नोट सिंबल वाली कैटेगरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरी और बच रही है, क्या है, 123 से 127, तो अब यहाँ पे सी चेक कर लेंगे, अगर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 123 है एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 127 है, तो ये हमारे पास में चला गया प्रिंट एफ के अंदर सिंबल, अदरवाइज ये चला गया प्रिंट एफ के अंदर हमारे पास नॉट सिंबल। अब इसको हमने कंट्रोल टैब 9 से कंपाइल करा, ये आउट ऑफ रेंज जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल एफ 9 हमने करा, अब हम इसको चेक करते हैं इससे, तो ये हमारे पास में क्या आ गया सिंबल, कंट्रोल एफ 9 ये यूज करा हमने, फिर नॉट सिंबल, नॉट सिंबल नहीं है। अब ये देखिए सिंबल भी नहीं है और कैरेक्टर भी नहीं है, तो इसके अंदर लास्ट के अंदर हमको कोई चीज बचेगी, कुछ छोटा हुआ है जिसके अंदर की कुछ आईएलसी कंडीशन आ जाएगी नॉट सिंबल वाली, तो जहां पे लिख रखा हमने फाइनली नॉट सिंबल वाला, तो उसके जगह पे लिखते थे नॉट सिंबल नॉट लोअर केस, इसके साथ ही हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसके अंदर डाला मैंने नॉट सिंबल लोअर केस, तो पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने क्या यूज करा है, देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने यूज करा टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, सारी कुछ चीजें हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर कर दी, तो प्रोग्राम हमारा काफी कुछ अच्छा प्रोग्राम हो गया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ई डॉट बी, इसके अंदर हमसे क्या बोला गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर टू डिटरमाइन वेदर ए ईयर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज ए लीप ईयर और नॉट, मतलब कि कीबोर्ड के थ्रू हमें ईयर की एंट्री लेनी और हमें आइडेंटिफाई करना है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लीप ईयर पता होना चाहिए, लीप ईयर होता क्या है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि लीप ईयर का फॉर्मूला हमें कैसे डिजाइन करना पड़ेगा, नोट पैड हम चेक कर लेते हैं पहले, लीप ईयर
या तो एक तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक शुड बी डिविजिबल बाई 4। 4 से जो डिवाइडेड, 4 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो लीप ईयर होगा। और अगर किसी ईयर के अंदर लास्ट में डबल 0 है, जैसे कि मान लीजिए 100 है, 200 है, 300 है, ऐसी कंडीशन आने पे 400 है, ऐसी कंडीशन आने पे ये 400 से डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड क्या है, शुड बी डिविजिबल बाई 400, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाई 400 होगा कि नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा, और सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि 4 से डिवाइडेड बाई है कि नहीं। ओके, तो चलिए हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले तो मैं फाइल सेव कर देता हूं, लीप ईयर लीप टर्नरी डॉट सी एस इंक्लूड stdio डॉट एच इंक्लूड donio डॉट एच। stdio डॉट एच कोनियो डॉट एच दोनों के दोनों हेडर फाइल्स हैं जिनका कि हम जनरली यूज करते हैं। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। कोनियो डॉट एच हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर gtcs फंक्शन अवेलेबल है जो कि आउटपुट को होल्ड करने का काम करता है, मतलब स्क्रीन को होल्ड करता है आउटपुट पे जब तक कि आप किसी कीबोर्ड के किसी और की स्ट्रोक को प्रेस नहीं करते। ईयर हम यहाँ से एंट्री लेंगे। clrscr का हम यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए कि अगर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे पे कुछ ऑलरेडी डिस्प्ले में आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हमारा आउटपुट आए। तो यहाँ पे करते हैं हम एंटर ईयर, ईयर यहाँ से एंटर होगा। scanf स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं परसेंट डी क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने यहाँ परसेंट डी यूज करा है। ईयर के आगे लगाया एम परसेंट, एम परसेंट ईयर का मतलब है ईयर की मेमोरी लोकेशन क्या है हमारे कंप्यूटर के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर। विदाउट एम परसेंट ईयर की आप इनपुट ले नहीं सकते। अब हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ये बताना है कि जो इनपुट गया है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट नॉर्मली हम लिख देते हैं, चलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर अपने आप में भी एक सिंबल है। ईयर इज डिविजिबल बाई 4 इक्वल टू 0, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर अदरवाइज प्रिंट एफ नॉट लीप ईयर। ये स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है देखिए, टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर किसके थ्रू आ जाता है, एक तो लगता है सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लगता है सेमी कोलन कोलन। क्वेश्चन मार्क से पहले जो अपना चीज होती है वो एक्सप्रेशन होता है जो कंडीशन बेस्ड होती है, इसकी कंडीशन के बेस के ऊपर आगे कैलकुलेशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार डिबग करके चेक करते हैं, कुछ नहीं है। कंट्रोल एफ 9, जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है 40 की, तो ये लीप ईयर हो गया। इसकी जगह पे अब हम चेक करते हैं, एंट्री करते हैं 35 नॉट लीप ईयर, मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब इसकी जगह पे हम कर देते हैं 100 की एंट्री, तो इसने दे दिया लीप ईयर, लेकिन 100 तो लीप ईयर है नहीं क्योंकि जब भी लास्ट में डबल जीरो आ जाता है तो उसका मतलब है कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। इस कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, तो कोई भी ये 400 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल वाले की कंडीशन अप्लाई होगी या नहीं होगी ये हम कैसे चेक करेंगे इसके अंदर, अब ये हमें खुद को सोचना होगा। ये कंडीशन आ गई यहां पर, अगर उससे कंडीशन है तो ये चीज हो गई। अब देखिए यहां पे टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे हम कि ईयर यदि 100 से डिविजिबल है
हंड्रेड से अगर डिविजिबल है तो अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो 400 से भी डिविजिबल है, ये कंडीशन ट्रू आ गई तो। अदरवाइज अगर 100 से डिवाइड करने पर भी उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो मतलब कि वो उसके ऊपर 400 वाली कंडीशंस अप्लाई नहीं होती, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ये सीधा हो जाएगा लीप ईयर। अगर 100 से डिविजिबल है तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये 400 से भी डिवाइडेड बाई है क्या, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमें लिख देगा प्रिंट एफ के अंदर लीप ईयर, एल्स प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करेगा हमको नॉट लीप ईयर। आई होप कि आपको ये पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी। प्रिंट एफ के बाद में हम जनरली ये स्टेटमेंट लगाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ लगा देंगे तो हमारा पूरा के पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो टर्नरी ऑपरेटर का जो लास्ट एंड होगा उसके बाद में ही हमको सेमीकोलन लगाना होता है क्योंकि पूरा स्टेटमेंट एक सेंटेंस की तरह काम करता है। इसको हमने सेव कर दिया, ऑल्ट एफ नाइन, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल एफ नाइन से हमने डीबग करा। अब यहाँ पे डालते हैं देखिए 300, तो 300 से तो डिवाइडेड बाई है जीरो, लेकिन क्या ये 400 से डिविजिबल है, नॉट लीप ईयर। अब इसको हम करते हैं 400 से डिवाइड, 400 डालते हैं तो ये लीप ईयर आ गया। अब इसके अंदर डालते हैं हम 2020, ये लीप ईयर हो गया। तो इस तरह से लीप ईयर का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने यूज करा है अर्थमेटिक ऑपरेटर का, रिलेशनल ऑपरेटर का और कंडीशनल ऑपरेटर का, इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज करके हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन करा है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन E.C। इसके अंदर हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड यूज कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसके अंदर हमें केवल कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके तीन नंबर दिए गए हैं इनपुट के अंदर, उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास में क्या फंक्शन होना चाहिए, इसका क्या लॉजिक होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने तीन वेरिएबल एंटर करवाएंगे ए बी एंड सी, तो अगर हम इफ एल्स के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड लगाते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी तो ए इज ग्रेटेस्ट हो जाता। अगर ये नहीं होता तो एल्स इफ के अंदर हम क्या चेक कर लेते, बी को चेक करते, क्या बी इज ग्रेटर देन ए है, लॉजिकल एंड लगाते, बी इज ग्रेटर देन सी है, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बी इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज ए भी सबसे बड़ा नहीं है, बी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब सी इज द ग्रेटेस्ट। अब इसी चीज को हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इफ तो एज इट इज रहेगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड लॉजिकल एंड लगा ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज अब हम क्या चेक करेंगे, बी वाला, एक नहीं है तो क्या बी है, बी इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे वापस हम चेक करेंगे क्या ये सही है, अगर ये सही है तो बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देखिए नॉर्मल इफ एल्स को हमने कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू खत्म कर दिया, तो अब चलिए हम टर्बो सी में चल के इस प्रोग्राम को चेक करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हमने बनाया था लीप ईयर्स के लिए, नए प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं। इसके अंदर हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज चेक करके ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, ग्रेट कंडीशनल डॉट सी इंक्लूड एस टी डी डॉट एस, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली है, इंक्लूड सी ओ आई एन ओ डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच हमने यूज कर लिया है, वॉइड मैन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ये वो फंक्शन है, एच होता है स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए,
देखते हैं कि कोई दूसरा की प्रेस नहीं कर देते। अब हमने उसे तीन वेरिएबल लिए हैं इंट ए बी एंड सी। अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आउटपुट के अंदर लिखा हुआ होगा तो उसको क्लियर करने के लिए हमने लिखा है क्लियर स्क्रीन। अब हम इनपुट में लेते हैं प्रिंटफ, एंटर वैल्यू ऑफ ए। स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं कीबोर्ड से किसी भी डेटा को एंट्री करने के लिए। परसेंट डी इसलिए लिखा है क्योंकि स्कैनएफ का सिंटैक्स के अंदर यह आता है कि पहले तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखा जाता है विद एम परसेंट। एम परसेंट क्या होता है? एम परसेंट हमें इस वेरिएबल की मेमोरी के अंदर क्या लोकेशन है ये बताता है। एंटर वैल्यू ऑफ बी, स्कैनएफ परसेंट डी अगेन क्योंकि इंटीजर टाइप है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी होगा। ये खत्म हो गया। अब आ गया प्रिंट स्लैश एन सीक्वेंस टर्मिनेटर है, ये एस्केप सीक्वेंस है। एंटर वैल्यू ऑफ सी, ये यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन से स्टार्ट हो, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है अदरवाइज। ये हो गया। अब यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं स्कैनएफ थर्ड वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए। ये हो गया इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये हो गया इसका वेरिएबल। अब हमें यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो जैसा कि अभी हमने नोटपैड के अंदर डिस्कस करा था किस तरह से करना है, सबसे पहले तो ए इज ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड लगाया, ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहां हम चेक कर लिया ए बी, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंटफ में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास में पूरा एक स्टेटमेंट चलेगा और यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ये एल्स की कंडीशन आप क्या चेक करें, क्या बी ए से बड़ा है, क्या बी ए से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या जाएगा प्रिंटफ के अंदर, बी इज ग्रेटेस्ट। एल्स में क्या चला जाएगा, अगर ये भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो सी इज ग्रेटेस्ट। सभी के आगे मैं एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूं ताकि न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले में आ जाएगा ये। ऑल्ट एफ नाइन हमने करा कंपाइल करने के लिए, इसको हम नोट कर देते हैं, इसको पहले हम सेव कर देते हैं। अब करते हैं कंट्रोल एफ नाइन, एक एरर आ रही है, एरर में क्या रहा एस सी ए एन एफ स्टेटमेंट मिसिंग, ये यहाँ पे हमने सेंटेंस टर्मिनेटर लगाना भूल गए थे। तो अब हम इसको ऑल्ट एफ नाइन से कंपाइल करते हैं, कंट्रोल एफ नाइन से करते हैं। ए की वैल्यू डाल दी मैंने 15, बी की वैल्यू डाल दी मैंने 67 और सी की वैल्यू डाल दी मैंने 12, तो बी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट फाइंड कर लिया, इस बार बी दिया था, नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर ए को ग्रेटेस्ट करके चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू डाल दी हमने 87, 12, 45, तो ए इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके थ्रू कि हम तीन नंबर में से क्या काउंट करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ई डॉट डी। इसके अंदर हमसे बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव वैल्यू ऑफ एन एंगल इन डिग्री एंड चेक वेदर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 1। ओके, इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैथ सी के अंदर मैथ फाइल का यूज कैसे करते हैं, कि साइन एंड कोसाइन की वैल्यू, साइन एंड कोस की वैल्यू निकलेगी हमारे से मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। इसके अंदर हम एंट्री करेंगे साइन, जैसे मान लीजिए 30, या कोस
30, तो इसके अंदर ये जो 30 30 है, हम तो इनपुट के अंदर एंट्री करेंगे डिग्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे जब काम करता है सी के अंदर, जब भी काम करता है तो ये काम करता है रेडियन के अंदर। हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बटा 180। यहां पे पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, तो पाई की वैल्यू हम कर देंगे 3.14, तो ये रेडियन की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हम पावर फंक्शन का यूज करके और दोनों का सम चेक करेंगे क्या है, और जनरली साइन एंड कोस की वैल्यू जो निकल करके आएगी, जो भी हम डिग्री एंटर करेंगे तो नॉर्मली वो डबल या फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर निकल के आएगी, तो हम वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे वो करेंगे फ्लोटिंग के अंदर। ओके, रिसीव वैल्यू पे नेंगे डिग्री, एक ही इनपुट लेना है हमें, दोनों की अलग अलग इनपुट नहीं लेना है। F2 सेव कर देते हैं हम, साइन कोस डॉट सी एच इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये है नो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल, ये है जी टी सी एस फंक्शन को यूज करने के लिए हमने लगाया कोनियो डॉट एच। अब हमें मैथ के फंक्शंस को यूज करना है, तो उसके लिए इसके अंदर फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है मैथ डॉट एच, हेडर फाइल है जिसके अंदर क्या हमें मिलेगा पावर स्क्वायर रूट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस की वैल्यू, वो लेगा इनपुट रेडियन के अंदर, हमें भेजना है डिग्री के अंदर। वॉइड मैन, ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये खत्म हुआ, और यहाँ पे जी टी सी एस लगा दी ताकि स्क्रीन को ये होल्ड करके रखे जब तक कि हमको दूसरा की प्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखिए इंटीजर में ले लेते हैं डिग्री की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू ले लेंगे, उसके हमारे पास में जो रेडियन निकलेगा वो फ्लोटिंग में चला जाएगा, फ्लोट रेडियन, ये हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके वैल्यू वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे क्या एक के बराबर है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम डिग्री में इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एंगल इन डिग्री, इसकी इनपुट कैसे लेंगे स्कैन एफ के थ्रू, इंटीजर टाइप है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा परसेंट डी, और यहां पे लिख दिया एम परसेंट डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं रेडियन कि जो भी हमारे पास में डिग्री आई है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करें, तो उसका फॉर्मूला क्या था डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है डिफॉल्ट 3.14 डिवाइडेड बाय 180। देखिए इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, 180 एक इंटीजर टाइम कॉन्स्टेंट है और डिग्री जो एंटर कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बट इसका मल्टीप्लीकेशन 3.14 फ्लोटिंग पे है, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट अपने आप प्रमोट हो जाएंगे फ्लोटिंग टाइप के अंदर, और रेडियन के अंदर वैल्यू जो पास होगी वो होगी फ्लोटिंग टाइप के अंदर। अब हमें रिजल्ट निकालना है कि पावर ऑफ साइन टू साइन की वैल्यू यहां पे आएगी कितनी रेडियन प्लस पावर ऑफ कॉस रेडियन ये टू, इनकी वैल्यू आई, अब इनका निकलेगा स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी, इन दोनों का स्क्वायर रूट ये आ गया। अब इसके अंदर हमें यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर का। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हमें क्या यूज करेंगे कि इनकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1.0 है तो प्रिंट एप के अंदर हमें डिस्प्ले देना है, अदरवाइज कुछ और डिस्प्ले देना है।
डिस्प्ले में क्या देना हम चेक कर लेते हैं। अच्छा चेक करना है केवल वैल्यूज को ही और कुछ नहीं करना, वैल्यू को चेक करके हमें डिस्प्ले में देना है कि क्या है वैल्यू क्या नहीं है। वैल्यू इज इक्वल टू वन, प्रिंट टैब के अंदर चला गया, इक्वल टू वन यहां पर लिख देंगे, वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वन। ओके इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, कंट्रोल एफ नाइन। ओहो मान लीजिए कि हम एंटर करते हैं 30 की, तो वैल्यू इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या 1 आती है? चेक कर लेंगे वापस से हम कि दोनों सभी हर चीज की वैल्यू तो सेम नहीं देता है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद चूंकि हमारे पास में एग्जिस्टिंग आउटपुट डिस्प्ले में जा रहा है, तो इसको क्लियर कर देते हैं क्लियर स्क्रीन के थ्रू। अब हम इसको एंट्री करते हैं 45, इसकी वैल्यू भी 1 दे रहा है, क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अगर इक्वल टू 1 है तो प्रिंट एफ के अंदर चला जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू 1, अदरवाइज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू क्या आ रही है इसकी। परसेंट एफ, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन था इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है ये हमारे पास में आ जाएगी। वन डॉट जीरो 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 जीरो। अब हम चेक करते हैं कंट्रोल एफ नाइन के अंदर में डाल दिया 19, इसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 आ रही है। ओके तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा डन हो गया वैल्यूज को निकालने के लिए। आप इसको अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर सी बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई डॉट ई। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। मतलब कि हमारे सामने जो प्रोग्राम दिया गया है इसको इफ एल्स को खत्म करके और हमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना है। तो चलिए हम ओपन करते हैं टर्बो सी, इसके अंदर ओपन करते हैं प्रोग्राम को और हम राइट करेंगे प्रोग्राम। फाइल सेव कर देते हैं हम conprgc.c। तो इस प्रोग्राम को हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है /include stdio.h। ये हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए है। इसके बाद में हम यूज करते हैं अभी सभी प्रोग्राम में conio.h का, जो कि इसके अंदर नहीं है। इसको हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें चेक करना है कि जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट स्क्रीन के अंदर होल्ड करने के लिए जो फंक्शन होता है गैच, वो इसके अंदर अवेलेबल है। और दूसरा हम अभी तक लिखते हैं हमेशा void main और एक गैच, लेकिन इस फंक्शन के हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है इंट void की जगह पे। ये इंट यहाँ पे क्यों दिया और क्यों देना चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसको डिस्कस ही नहीं करा तो इसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है। जब हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है फ्लोट एस ए, इसके बाद में बोल रखा है प्रिंट एफ एंटर द सैलरी स्कैन एफ, फंक्शन के अंदर लिख रखा है हमारे पास में एम परसेंट परसेंट है फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये आ गया हमारे पास एम परसेंट सैलरी। तो ये हमने यहाँ पे सैलरी का इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशंस लगा रखी है, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000
लॉजिकल एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 40,000, तो आउटपुट में आपके पास में आना चाहिए प्रिंटएफ मैनेजर। एल्स में दे रखा है इफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 एंड सैलरी इज लेस देन 25,000, तो ये बंदा हो गया अकाउंटेंट। एल्स प्रिंटएफ बंदा हो गया क्लर्क। तो ये प्रोग्राम तो वो हो गया जो कि हमारे पास में गिवन है, इसको हमने सेव करते हैं ऑफलाइन के थ्रू डीबग करा, तो इसने बोल दिया हमारे पास में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है अनडिफाइंड SAL, तो यहाँ पे SAL करना होगा हमें, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, इसको रन करा के चेक करा, देखिए ऊपर का हमारे पास में आउटपुट ऑलरेडी आ रहा है, जब हमने एंट्री करी 9,000 तो इसने बोला क्लर्क, तो पुराने वाले जो चीज आ रही है उसको हम क्लियर कर देते हैं। सैलरी CLR SCR जो हमारे स्क्रीन पे एग्जिस्टिंग आउटपुट था उसको क्लियर करने का एक काम करता है। कंट्रोल F9 करा, अब हम एंटर करते हैं यहाँ पे 15,000, तो अकाउंट है, मतलब प्रोग्राम ये हमारा सही काम कर रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के थ्रू, तो कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले क्या आएगा, इफ कंडीशन आ रही है ये वाली, तो हमने इसको कर लिया ओपी कंट्रोल इंसर्ट के थ्रू, यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट के थ्रू हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने के लिए क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास में आउटपुट में क्या जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी एंट्री नहीं करूंगा, कुछ अलग से नहीं लिखूंगा, जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास में हो गया कंट्रोल इंसर्ट, ये सही है, अदरवाइज ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में शिफ्ट इंसर्ट, ये हो जाएगा नहीं, ये वापस वही कॉपी कर लिया हमने, ये हमने एल्स है तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये मैनेजर होगा, अदरवाइज एल्स इफ की कंडीशन आएगी यहाँ पे तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने टर्मिनेट कर दिया। अब एल्स की कंडीशन में हमने यहाँ पे चेक करा हुआ है ये कंट्रोल इंसर्ट कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, तो बंदा चला जाएगा अकाउंटेंट के अंदर, लास्ट में इसका ये कॉपी करना रह गया हमसे, अदरवाइज बंदा हो जाएगा क्लर्क। ये प्रोग्राम हमने सेव कर दिया, ऑल्ट F9 से इसको कंपाइल करा, एरर जीरो आ रही है। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं, एंट्री हम एंट्री करते हैं कि 25,000 मैनेजर, तो मतलब कि प्रोग्राम हमारा एकदम सही बना हुआ, हमने बिल्कुल प्रॉपरली इसको कन्वर्ट कर दिया। अब डालते हैं हम इसको इसके अंदर 15,000, तो आ गया अकाउंटेंट। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कि फेल्स को हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर यूज कर दिया है, तो जहां पर भी फेल्स का हम यूज करते हैं, जहां सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही ब्लॉक या एल्स ब्लॉक काम करता है, तो वहां पे हम नॉर्मल तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ में हमने लेटेस्ट से बुक के 4 चैप्टर्स को एकदम क्लियर कर लिया, एक एक क्वेश्चन को हमने सोल्व करा है, ऐसा नहीं कि हमने आधे अधूरे क्वेश्चन सोल्व करे हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले के जितने भी हमने लेक्चर बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, करीबन 62-63 हैं, तो हर इस प्रोग्राम को आप 1 by 1 चेक करें, ताकि आपके बेस कंसेप्ट जो है प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो जाए। एक बार अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद हम किसी भी लैंग्वेज को, ना केवल सी, किसी भी लैंग्वेज को बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं, इसीलिए सी लैंग्वेज सबसे पहले सिखाई जाती है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लॉजिक बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे से जो प्रोग्राम्स आएंगे वो थोड़े नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, जिनके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और
डिसीजन मेकिंग के जो स्टेटमेंट है इन सब का क्या यूज होता है, शायद हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आगे से हम एडवांस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।